क्या हम शुरू करें? जी, जी शुरू, आप लाइव हो गए। जी लाइव हो गए हो, आप हाँ शुरू कीजिए। शुरू करते हैं। राइट, ठीक। सभी को, सभी आमंत्रित कवि गणों को और हमारे वरिष्ठ रचनाकारों को मैं उनका स्वागत करता हूं। और आज जो 75वां हमारा स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं, उसकी भी मैं सभी को बधाई देता हूं। मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत में एक स्वलिखित दोहा पढ़ना चाहता हूं। चारों धाम विराजते हैं, हों जिस भूमि खंड, चारों धाम विराजते हों जिस भूमि खंड, उस पावन स्थान को कहते उत्तराखंड। तो ये उत्तराखंड के जो आज हम ये पहाड़ का एक पर्वतीय प्रथम पर्वतीय ऑनलाइन कवि सम्मेलन कर रहे हैं, मैं इसके लिए सभी लोगों का एक बार आभार करता हूं कि आप सभी ने अपना अपने अन्य कार्यक्रमों से समय निकाला और आप लोग यहाँ पर आए, हमारे से जुड़े। मेरे लिए एक ये बहुत गौरवशाली क्षण है, जहाँ मुझे विद्वत जनों का, बहुत वरिष्ठ रचनाकारों का साथ मिल रहा है और हमें आप सबकी रचनाएं सुनने को मिलेंगी। हमने आपकी रचनाएं पहले सुनी भी हैं, पढ़ी भी हैं, लेकिन आप आज पहली बार शायद मेरे लिए एक रूबरू होकर हम आपकी रचनाएं पढ़ेंगे, तो मुझे इसका एक गौरव भी है और उसका एक एक्साइटमेंट भी है। ये जो हमने कवि सम्मेलन आज ऑर्गेनाइज किया है, ये हमने तत्वाधान में ऑर्गेनाइज किया है, द इनक्रेडिबल पहाड़ी डॉट कॉम। नाउ द इनक्रेडिबल पहाड़ी डॉट कॉम की परिकल्पना लगभग 2 वर्ष पहले मेरे को आई थी और मैंने उसको कार्यान्वयन किया था लगभग 2 वर्ष पहले। इसकी परिकल्पना तो बहुत पहले आई थी। बहुत सारे हमारे वेबसाइट्स हैं, आई थिंक मेरे ख्याल से असंख्य वेबसाइट हमारे हैं, जिसमें हमारे पहाड़ के भी हैं, दूसरे भी हैं, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि एक ऐसा वेबसाइट जिसमें हमारे पहाड़ के प्रोफेशनल्स को, पहाड़ के कलाकारों को एक मंच अगर हम मुहैया करा सकें, तो ऐसा मुझे नहीं नजर आया। तो मुझे लगा कि इसकी एक जरूरत है, जहां पर अगर हमारे पहाड़ के प्रोफेशनल्स, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हों, चाहे वो और ही किसी विशेष काम के माहिर लोग हों, तो उनको हम एक मंच पर लेकर आए, चाहे इसमें हमारे कलाकार हों। इसमें हमने एक और भी चीज जोड़ी है, अगर आप इसको विजिट करेंगे, हमने इसमें प्रोजेक्ट भी इसमें जोड़े हैं। तो प्रोजेक्ट जोड़ने का मतलब यह हुआ कि हमारे यहाँ से बहुत से लोग जो पलायन करके शहरों में आ गए हैं और उनको बहुत अच्छा वहाँ काम नहीं मिल पाता है, तो अगर हम छोटे से कुछ ऐसे प्रोजेक्ट अपने अनुभव के आधार पर तैयार करें और उनको इसमें अपलोड कर दें, तो इससे उन सभी लोगों का और जो भी इसको पढ़ेगा उसका बहुत हित हो सकता है, बहुत फायदा हो सकता है। तो इन भावनाओं के साथ इस द इनक्रेडिबल पहाड़ी की शुरुआत मैंने की थी 2 साल पहले लगभग, और उसके तत्वाधान में यह पहला हम पर्वतीय कवि सम्मेलन कर रहे हैं। किसी भी कवि सम्मेलन को संचालित करने के लिए एक हमें संचालन कर्ता की जरूरत होती है, और उसके लिए अगर आप सभी लोग इजाजत दें, तो मैं हेमपंत जी को इस कार्य के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि हेमपंत जी इस मंच का संचालन करें। हेमपंत जी,
का नाम और उनकी प्रतिष्ठा किसी से छुपी नहीं है। आप एक बहुत वरिष्ठ रचनाकार हैं, वरिष्ठ नाटककार हैं, नाटक आपने लिखे हैं। दिल्ली के, या मैं कह सकूं कि इंडिया के या वर्ल्ड के जो बड़े मंच हैं, जैसे उसमें ड्रीम्स ऑफ किंगडम गुड़गांव में एक बहुत बड़ा मंच है जो आज इंटरनेशनल मंच है, वहां पर पंत जी के नाटकों का मंचन हो चुका है। मुझे याद आ रहा है बाला गौरैया के नाम से एक, जो अगर मैं सही कह रहा हूँ, मेरा उच्चारण सही है, तो इनका एक हुआ था जिसमें काफी जितने जिसको मैं बोल सकता हूँ कि हमारे पहाड़ के हुज हु जिसको बोलते हैं, वो सारे वहां पर मौजूद थे। और बहुत सारे लोगों को, जिनमें मैं भी एक शामिल हूँ, अफसोस रहा कि हम वहां नहीं पहुंच पाए। एनीवे, एक बार फिर ऐसा मौका मिलेगा जब हम जाएंगे वहां पर और हम खुद रूबरू होके उसको देखेंगे। तो पंजी, मैं इसके साथ आपसे निवेदन करता हूं कि आप आए और इस मंच को संचालित करें। हेम पंजी, नमस्कार। आप उस सब लोग नमस्कार। हार्दिक अभिनंदन। 75वीं स्वतंत्रता दिवस शुभ अवसर पर सभी देशवासियों के, हमारे सुनन वालन के, हमारे जतुकुल यहाँ कवि गणचन उनन के स्वतंत्रता दिवस की जो हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। चार पंक्तिन न शुरू करने लग रहे हैं। सब ना दिल में प्यार को अरमान बन बिर जी सकूं, सब ना दिल में प्यार को अरमान बन बिर जी सकूं, मुश्किलन में ले बहुत आसान बन बिर जी सकूं, मिहुन मेरी जात मजहब नाम सारे छिन लियो, मिहुन मेरी जात मजहब नाम सारे छिन लियो, ताकि मैं इंसान बस इंसान बन बिर जी सकूं। लेकिन इस जमाने के रंग न्यारे हैं, इस जमाने के रंग न्यारे हैं, सब तरफ दंभ के नजारे हैं, कैसी बस्ती में आ गया हूं मैं, लोगों के बोल भी दुधारे, आज अपने ही हमको छलते हैं, चढ़ते सूरज को देख जलते हैं, इनको बाहों में मत समेटो तुम, आस्तीनों में सांप पलते हैं। समय के साथ हम इस पूरे देश में आज स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इनक्रेडिबल पहाड़ी द्वारा आयोजित ये पर्वतीय कवि सम्मेलन में उत्तराखंड के जाने माने कवि कुमाऊनी गढ़वाली और हिंदी में कविता पाठ करेंगे। ये लीजिए, दगड़ में मैं कुमाऊनी ने बोलूं और हिंदी भाषा ने बोलूं। मैं के विशेष तौर पर सुरेंद्र रावत जी बता कि यहाँ सुनन वाले और हमल कोशिश ले कर रखी कि हम हिंदी के लिए प्राथमिकता दूं, तो वो मैं हम यो कार्यक्रम अब प्रारंभ कर लूं। मैं आप उनके बहुत हर्षल बतूण चाह कि आज हम लोग ना बीच में एक है एक जानी मानी कवि हमारे बीच में मौजूद छन, श्रीमती मीनाक्षी खंतवाल। इन सब लोग परिचय में बाद में विस्तार पूर्वक दूं, लेकिन जानकारी लीजिए, मीनाक्षी खंतवाल हमारे बीच में छन, श्री पूरन कांडपाल जो कोई ले परिचय का मोहताज नहातिन वो हमारे बीच में छन, रमेश हितेशी जिन्हें का सब लोग जानना हमारे बीच में उपस्थित छन, श्रीमती सुमित्रा प्रवीण हमारे पूर्व देशक राष्ट्रीय एक राष्ट्रीय स्तर कवित्री एल वो हल्द्वानी में बहुत तेज बारिश हुआ नेटवर्क नहा पर देर में उल्ले जुड़ जाए, नंदन सिंह राणा हमारे बीच में हमारे दगर जुड़ी छन, श्रीमती सोनू प्रीति अलवाड़ बटी हमारे बीच में जुड़ी छन, श्री ओम ध्यानी एक बिल्कुल युवा कवि हमारे बीच में उले हमारे बीच में जुड़ी छन, सुरेंद्र रावत जी हमारे बीच में छन जो कि प्रारंभ जिनल आज कार्यक्रम करो, और राजू पांडे एक बहुत जानी मानी हस्ती हमारे बीच में कवि रूप में हम बीच में मौजूद छन। तो हमारे बहुत बड़ी के हम लोग आपस में बातचीत करूं, थोड़ा हम कविता पाठ ले करूं और इनार बारे में ले जानूं। यह पहली कि मैं आज प्रथम कवि क्या बोलूं, थोड़ा मैं अनुरोध करूं अपन जतु के लिए दगड़ी छन, हम कोशिश करूं कि हम उन
अपन कविता पाठ प्रारंभ करूं ताकि हम 4 साढ़े 4 मिनट में अपन एक कविता दे सकूं। 2 राउंड हमारी कोशिश होल कि हम प्रत्येक कवि 2 राउंड लियो, शायद हम हमारे बीच में पूरन कांडपाल जी के जल्दी जान से दुआर प्रोग्राम में ले जान से उनर तो हम 4 4 कर दिन 8 कर दिन वो बात ले बहुत बड़ी से बहुत गंभीरता पूर्वक पूरन कांडपाल जी में सुनने लग रहे हैं। लेकिन मैं पहली ये सूचना दी है हम आप आ जाओगे वो बड़े कार्यक्रम प्रारंभ कर लूं। सब में पहली मैं आप लोगों ने बीच में अलमड़ बठी सोनू प्रेती सांची जिना रूप नाम सांची छ एक अलमड़ बठी हमारे बीच में आ रही अध्यापिका छन राजकीय प्राथमिक विद्यालय मनाण में। लोक भाषा कुमाऊनी व हिंदी में कहानी ले करनन कविता ले करनन हाउ दोहे वो कवि गोष्ठियन में और बहुत सहभागिता रूं। आकाशवाणी अलमड़ बठी और पंतनगर जनवाणी सामुदायिक रेडियो केंद्र बठी नल काव्य पाठ करी। विश्व हिंदी रचनाकार मंच द्वारा अमृता प्रीतम सम्मान इनके मिली छो। कुमाऊनी भाषा साहित्य एवं संस्कृति द्वारा विभिन्न मंचन में जो सम्मानित है छन हमारे बीच में उपस्थित छन सोनू उप्रेती सांची। तुम्हारे लिए जी 4 पंक्ति कि तुमन के हम तुम्हारे कसम जान लो तुमन के हम तुम्हारे कसम तु, हम तुमन के हम तुम्हारे कसम जान लू मगर खुद के तुम्हें ले कम जान लू को कह के कतुक चा आपस में न तुम जान छा न हम जान लू सोनू प्रीत। सोनू प्रीति हमारे बीच में जुड़ी छी। मेरे ख्याल प्रारंभ में उनादगढ़ बाद भेल अलमाड़ में नेटवर्क के लिए दिक्कत छ खुदेड़ जीव हाँ उनल जिगर करो कि उनर नेटवर्क एल नहा और मैं कहें सूचना ले मिली कि हल्द्वाण में ले और अलमाड़ में ले बहुत तेज बारिश होने लग रहे तो हम अगेलू बढ़नू। मैं बुलून चा ओम ध्यानी के पौड़ी गढ़वाल बीराखाल बेजोर क्षेत्र से लगभग 25 वर्ष से साहित्य कला के क्षेत्र में अपनी बोली भाषा को जीवित रखने में अग्रसर है। गढ़वाली लोकगीत जागर एवं कविता लेखन गायन एवं अभिनय में दक्षता रखते हैं। गढ़वाली फिल्म दुख का कांडा सुख का फूल इसका लेखन किया है अभिनय और गायन भी किया है। इनकी कविता आखिरी इच्छा लोगों ने बहुत सराही है। ओम के लिए केवल इतना कहूंगा कि कुछ तो है तुम्हारी रचनाओं में कुछ तो है तुम्हारी रचनाओं में बेहिचक चली आती हैं और मुझको घेर लेती हैं पनाहों में और फिर दीवाना बना देती। ओम ध्यान आदरणीय पंत जी, बहुत बहुत आभारी छो मैं आपको कि आपन ये कार्यक्रम में शामिल करी मैं और साथ में सभी गणमान्य लोगों ते मैं पहले सादर प्रणाम कर दू। और आज स्वतंत्रता दिवस का उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई दे दो। आदरणीय पंत जी ने अभी जन की बताई कि मेरी आखिरी इच्छा कविता जो छे कि लोगों ने बहुत पसंद करी, मैं वो के बारे में आप विचार शब्द आपका समणी रखना चाहूंगा कि वो कविता की भूमिका क्या छे। वो कविता विशेष करके पलायन का ऊपर में लिखी छे कि एक बुजुर्ग आदमी जो अपना उत्तराखंड में ही रहना पसंद कर लेकिन मजबूरी ये छे कि एक ही बच्चा और बच्चा दुई जगह देखने में असमर्थ छो। तो बच्चा ने बोली कि बाबा जी तुम मेरा साथ में चला। वो अपना बाबा थे अपना दगड़ में लिए सर जीवन मूल अपनी जिंदगी जो अपना उत्तराखंड से बैर बिताए। और अब जब वो अंतिम सांस गिरना छन वो बेड में पड़िया छन तो नौ नौ घर जानू छ यानी अपना उत्तराखंड जानू छ।
तो वो अपना बाबा थे पूछो छे कि बाबा जी मैं घर जानू छु, आप की कोई इच्छा होली आप मैं ते बताओ, मैं वह बटे आप कुने लेके होलू, तो वो आप लोगों का समणी रखनु छो, उम्मीद कर दू कि आप अपनो आशीर्वाद जरूर देला मैं ते। कि बाबा जी मैं सोचनु छो कि 9 तारीख के घर जान, बाबा जी मैं सोचनु छो कि 9 तारीख के घर जान, यन बतावा तुम खनी घर बटी क्या जिला। बाबा जवाब देना सन कि उनत बेटा मी कु तेरी कुछ भी कमी करी नहीं, कि उनत बेटा मी कु तेरी कुछ भी कमी करी नहीं, पर क्या करने ये मना कि स्याणी अभी मरी नहीं। सबसे पहली देवता ठोमा अपना संस्कार भी बतौना सन अपना बेटा थे कि सबसे पहली देवता ठोमा हाथ जोड़ी मुंड नवे ले सकी तो बेटा सुन उख बटी तू क्या क्या ले। तो क्या मंगाना छन बाबा जी कि तेरी मान रोटी पाथी जख मम्मी भी आगे तापी, यानी अपनी चूली खांदी, कि तेरी मान रोटी पाथी जख मम्मी भी आगे तापी, कुबरी भी तेरी चूली खांदी वही तिबारी की याद आंदी, ग्वाया लगे जख मतिन जख मतू नवे तपे, कि ग्वाया लगे जख मतिन जख मतू नवे तपे ले सकिल तो बेटा सुन वही तिबारी लेकी है वही तिबारी लेकी है। हेल लगे धाणीकार गाड़ चरी ढोंगू धाव, यानी अपनी पुंगड़ियों में पुंगड़ी खेती बाड़ी जो अपन बोलते ना, कि हॉल लगे धाणीकार गाड़ चरी ढोंगू धार, रात खुली पुंगड़ियों में रात पोड़ी पुंगड़ियों में, हॉल में लगे तो तेरी मान करी नेला गुड़े, कि हॉल में लगे तो तेरी मान करी नेला गुड़े ले सकिल तो बटा सुन ऊ पुंगड़ियों लेकी है ऊ पुंगड़ियों लेकी है। दूध घ्यू की माणी ले कि दूध घ्यू की माणी ले शिवानी को पानी ले, बैठ बैठी की भरू लग दू मी को काम धानी ले, कि गोर बखरा चरे खूब अब तो याद ही रह गए, कि गोर बखरा चरे खूब अब तो याद ही रह गए ले सकिल तो बटाऊ गोर बखरों की डार ले गोर बखरों की डार ले। तेरी माँ को ध्यान बेटा काम धाणी माही रे, कि तेरी माँ को ध्यान बेटा काम धाणी माही रे, घर बनो में घास लकड़ू जीवन यनी बीते, उड़खेलो में धान कूटी जंदरियों माँ करी पिसे, कि उड़खेलो में धान कूटी जंदरियों माँ करी पिसे ले सकिल तो बेटा सुन कोई पिछिया ठोपरी लेकी है पिछिया ठोपरी लेकी है। गौड़ी भैंसी तीजे जख दार टूटिया वाला वख, कि गौड़ी भैंसी तीजे जख दार टूटिया वाला वख, रीति छनड़ी टूटिया दार बनी होली मूसो घार, कि रीति छनड़ी टूटिया धार बड़ी होली मूसो घार, ले उमरा कोणा रौड़ी पर्या, कि उमरा कोणा रौड़ी पर्या नेत्रन भी देखी है ले सकिल तो बटा में दह की परोठी लेगी है दह की परोठी लेगी है। अब कविता का अंतिम 4 पंक्ति छन कि जोड़ी दथड़ी कुलड़ी थमली, कि जोड़ी दथड़ी कुलड़ी थमली धरी उबरा कूणा मा, कि जोड़ी दथड़ी कुलड़ी थमली धरी उबरा कूणा मा, चौका तीर लिम्मा बेटा खैकी है तो लूण मा, भुर न मानी तोय में बटा एक बात गुने मिल, कि भुर न मानी तोय में बटा एक बात गुने मिल, म्यारू भी कनूच बटा गौ गया देखना को दिल, और कुछ नहीं चैंदू बटा इत का सुन एक बार, कि और कुछ नहीं चैंदू बटा इत का सुन एक बार, आंख बुझण से पहली दिखे दे में अपुर घार, आंख बुझण से पहली दिखे दे में अपुर घार। धन्यवाद। बहुत सुंदर ओम ओमेल तो पहाड़ दर्द अपन कविता शब्दन में जिस किस्मत प्रकट करो हम सब सुनन वालन एक टक के सुनन में और देखने में ले हम सब लोग ध्यान नहीं गई। ये तो बहुत बड़ी कविता ओम तुमके बधाई छ। हम तुम्हारे दोहर कविता ले सुनून हमारे बीच में गीता गोसाई नेगी दिनेश ध्यानी जी हमारे बीच में जुड़ गई बी एम शर्मा बहुत बड़ी कवि छन उनर व्यस्तता छी नदर आज कार्यक्रम में उन्हें क्या नहीं बुलाऊं छी। आशा हमारे बीच में छन नंदन राणा बालकिशन आर्या और बहुत सारे लोग हमारे बीच में अब धीरे धीरे जुड़ते जान लग रही धीरे धीरे हमारे बीच में और लोग ले आल। अब
मैं जो नाम आपुन सामण में जगह बलून लग रही हूं वो केले परिचय मोहताज नाते एक बहुत पहुंची हुई और मेरे ख्याल है जतुक ले हम लोग यहाँ बिरादरी में बैठी छू उन सबन में सब में सीनियर ले छन हमारे बीच में श्री पूरन चंद्र कांडपाल उनर अभिनंदन करूं उनर स्वागत करूं स्वागत करूं। हिंदी और हिंदी कुमाऊनी और कुमाऊनी साहित्यकार साहित्यकार पूरन चंद पूरन कांडपाल चंद कांडपाल। थोड़ी देर के लिए अपन माइक पूरन जी बंद कर दियो बस 2 मिनट बाद अपन नाम लियो हिंदी और कुमाऊनी साहित्यकार पूरन चंद कांडपाल उत्तराखंड अलमाड़ जिला खग्यार गांव मूल निवासी विगत 45 वर्ष बटी आपू साहित्य सृजना दगड़ नशा मुक्ति अभियान चलूनी आपू हिंदी कुमाऊनी कवि सम्मेलन में विचार गोष्ठीन में सहभागिता करनी और साहित्य के एक है एक सम्मान साहित्य मेरे ख्याल है जो सम्मान मिलन उन्हें एक है एक पुरस्कार आप होंगे प्राप्त छो विगत वर्षों में आपू 31 किताब अगर मैं ठीक कह रही हूँ कि हिंदी में 17 और कुमाऊनी में 14 एक रचना आपने करी है आपू विगत 5 वर्ष बठी दिल्ली में कुमाऊनी गढ़वाली भाषा सिखलाई अभियान दगड़ ले जुड़ी रह छो जतुकले बतूं परिचय सावेल वो कम छ लेकिन ये तुक जरूर कहूं कि यार हर एहसास है एक खास उम्र हूं हर एहसास है कि एक खास उम्र हूं और हर मंजिले के लिए एक खास डगर हूं यू निगाह गुजर जानिन हजारन पे पहचानन वालन के तो एक खास नजर हूं पूरन चंद्र कांडपाल धन्यवाद हेम पंजो। मेरा परिचय आपू दे मैं अपन बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँ और साथ साथ आभारी छू इनक्रेडिबल पहाड़ी डॉट कॉम जो यो आज 75वां स्वतंत्रता दिवस मौक पर जो कार्यक्रम को कर रही और आज रात बटे कई जगह में यो प्रोग्राम हमारा होन लगा राष्ट्रीय कार्यक्रम ला हम उस देखो और एक कार्यक्रम पहली छी एक यो चल रहा है एक छो तो ये मैं थोड़ा जस के आप चर्चा करी मैं ज्यादा न कहते हुए पहली एक कुमाऊनी कविता सुनोल मेरा देशक सिपाही और वीक बाद एक 2-2.5 मिनट एक कविता हिंदी में सुनोल 15 अगस्त। तो मैं आरंभ करना चाहूँ अपन कविता स्वागत स्वागत ये तू बात हाउ पौन का बतबेर धरिया ये तू बात हाउ पौन का बतबेर धरिया उजाऊ जरूर हल छिलुक बाय बेर धरिया उजाऊ जरूर हल छिलुक बाय बेर धरिया अपन लुए दिबेर अपन लुए दिबेर जो तिरंगा की हिफाजत करी हमूल अपन लुए दिबेर जो तिरंगा की हिफाजत करी हमूल उ तिरंगा के अपन दिल में समाये बेर धरिया अपन दिल में समाये बेर धरिया। बहुत बढ़िया जस के मित्रों मैं 1971 एक लड़े जो पाकिस्तान दगे लड़े है जब मैं भारत जीता और बांग्लादेश बनो पश्चिमी सीमा पर मैं तैनात छी तब मगर बहुत याद छे उन चीजों को ध्यान में धरते हुए मैं यो आज एक जो कविता छे यो समर्पित करना चाहूँ उन सैनिकों के लिए उन शहीदों के लिए। तुम गजल लिखो या गीत कविता खूब लिखो तुम गजल लिखो या गीत कविता खूब लिखो एक लाइन कभी शहीदों पर लिखो लौट नहीं आए जो घर गीत लिखो उन ऊपर लौट नहीं आए जो घर गीत लिखो उन ऊपर और देह प्राण न्योछावर कर गई राष्ट्र की धुन पर राष्ट्र की धुन पर। अब मेरी कविता शुरू छू मेरा देशक सिपाही मेरा देशका सिपाहियो तुमो के मेरा प्रणाम धन तुम्हारी बहादुरी धन तुम्हारो काम मेरा देशका सिपाहियो तुमो के मेरा प्रणाम धन तुम्हारी बहादुरी धन तुम्हारो काम वर्दी तुम्हारो दीन धर्म छे वर्दी छे ईमान वर्दी है बेर कोई ठुल ने बते बाइबिल गीता ग्रंथ कुरान
तुम्हारी वर्दी के मेरा दे सको सलाम, तुम्हारी वर्दी के मेरा दे सको सलाम, धन तुम्हारी बहादुरी धन तुम्हारा काम, मेरा देश का सिपाहियो कोई गोरखा सिख बिहारी तुम, कोई जाट पंजाबी, कोई कुमाऊनी, कोई गढ़वाली, कोई मराठा मद्रासी, कोई गोरखा सिख बिहारी तुम, कोई जाट पंजाबी, कोई कुमाऊनी, कोई गढ़वाली, कोई मराठा मद्रासी, कोई राजपूत डोगरा नागा सैनिक अलीशान, धन तुम्हारी बहादुरी धन तुम्हारा काम, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चाहे जो जगह कलवासी, रग रग में तुम्हारा माट भारत को तुम छाने चल भारतवासी, ई भारत की इंद्रणी का तुमो के सलाम, धन तुम्हारी बहादुरी धन तुम्हारा काम, वीर शहीदों सुर्ख लुए करो तुम्हार तन में संचार, राणा शिवाजी लक्ष्मी बाई एक बहादुर जस अपार, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु सुभाष बोस बिस्मिल्लास पाक, और लाल बाल पाल मंगल पांडे चंद्रशेखर की तुम उमराग, गौतम महावीर नानक गांधी संतों की संतान छा तुम, और पटेल जवाहर शास्त्री इंदिरा राजीव अटल अरमान छा तुम पहर रुचा मातृभूमि का पानी जमीन आकाश में, रूढ़ी हूं चौमास में दिन अन्यारी रात में, तुम्हारी बंदूक तानी रैंच यूं पड़ो या घाम, धन तुम्हारी बहादुरी धन तुम्हारो काम, नेपाल लद्दाख सियाचिन करगिल को डन, रण कच्छक सीमार छिया तत रेगिस्तान, दुश्मन को हर जग मिटाई तुमूल नाम, धन तुम्हारी बहादुरी आहा, धन तुम्हारा काम, बहुत बड़ी गांड बाजी। कतू लड़े लड़ तुमूल आजादी का बाद मा, 47 62 65 71 99 का साल मा, कतू लड़े लड़ तुमूल आजादी का बाद मा, 47 62 65 71 99 का साल मा, दुश्मन हारच हमेशा तुम जीता संग्राम, धन तुम्हारी बहादुरी धन तुम्हारा काम, 71 लड़े मजी देख तुम्हारा बेस, दुश्मन हथियार डाव जन्म बांग्लादेश, दुनिया चाहिए रह गई दिल अपनो थाम, धन तुम्हारी बहादुरी धन तुम्हारा काम, 99 में कारगिल में दुश्मन घुस पैठ लगे, तोलो लिंग जुबेर टाइगर हिल में तुम दुश्मन की कब्र बने, 99 में कारगिल में दुश्मन घुस बैठ लगे, तोलो लिंग जुबेर टाइगर हिल में तुम दुश्मन की कब्र बने, दुश्मन भाजो छुआ बे बचे बे अपनी चाम, धन तुम्हारी बहादुरी धन तुम्हारो काम, लेबनान कांगो गया तुम, सियरा लोन कोरिया, श्रीलंका मालदीप गया मोजाम्बिक सोमालिया, दुनिया में पूजाई तुमूल, दुनिया में पूजाई तुमूल शांति को पैगाम, धन तुम्हारी बहादुरी धन तुम्हारा काम, सुख बाढ़ भूकंप दंग तुरंत प्रकट है जचा तुम, हर त्रासदी में देश का रक्षक हर गर्दिश में सखा छा तुम, देश ले जब ले पुकारो तुम्हें आया काम, धन तुम्हारी बहादुरी धन तुम्हारो काम, न हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई छा तुम हिंदुस्तानी, मातृभूमि पर हया न्योछावर यासा अमर बलिदानी, न हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई छा तुम हिंदुस्तानी, मातृभूमि पर हया न्योछावर यस अमर बलिदानी, तुम्हारी बहादुरी के मेरा देश को सलाम, धन तुम्हारी बहादुरी धन तुम्हारो काम, दम निकली आह निकली छाती में गोई खैच, तिरंग की शान बढ़च कसम अपनी निभैच,
देश काली जी या दीदी तुम ले अपनी जान, धन तुम्हारी बहादुरी धन तुम्हारो काम। मौत एक दिन सबू कहेंगे छे यो दुनी संसार, मौत एक दिन सबू कहेंगे छे यो दुनी संसार। मातृभूमि पर लोग तिलक हो यो मौत की हार। तुम है या बलिदान देश पर, तुम है या बलिदान देश पर, मौत है ही बदनाम। धन तुम्हारी बहादुरी धन तुम्हारा काम। और अंतिम छंद मैं प्रस्तुत करना चाहूं यह कुमाऊनी कविता। तुम्हारी स्वागत शहीदी अमर रौली, तुम्हारी शहीदी अमर रौली, रौल जब तली गंगधार। और तुम्हारी याद में म्याल लगाला हर बरस बारंबार। अमर जवान ज्योति शहीद स्मारक अमिट तुम्हार नाम। तुम्हारी शहीदी अमर रौली, रौली जब तक गंगधार। तुम्हारी शहीदी अमर रौली, रौली जब तली गंगधार। और तुम्हारी याद में म्याला लागला हर बरस बारंबार। तुम्हारी याद में म्याला लागला हर बरस बारंबार। अमर जवान ज्योति शहीद स्मारक अमिट तुम्हारा नाम। धन तुम्हारी बहादुरी धन तुम्हारा काम। मेरा देश का सिपाहियों तुमको मेरा सलाम। धन तुम्हारी बहादुरी धन तुम्हारा काम। मेरा देश का सिपाहियों। बहुत सुंदर कांतपाल जी के, मेरे ख्याल दुहार प्रोग्राम में जान से एक हिंदी जी कविता ले आप उठा। जी धन्यवाद जो कांतपाल जी आप म्यूट हैं। और कविता शुरू छे। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। 15 अगस्त 1947 दिवस भारत का प्यारा है। इस दिन मिली आजादी हमको यह क्षण पूरब न्यारा है। सदियों रहे गुलाम स्वदेश में अत्याचार दिन रात सहे। कैद हो गए अपने घर में स्वतंत्रता की कौन कहे। छोटे छोटे राज्य यहाँ पर सदा आपस में भिड़ते थे। अस्तित्व मिटाने एक दूजे का आपस में सब लड़ते थे। नहीं एकता थी परस्पर अलग अलग ढपली सबकी। देख हमारी फूट आपसी फिरंग नजर फिरंगी की चमकी। हुए अत्याचार जब निरंतर बांध सब्र का टूट गया। शुरू हो गया जन आंदोलन घुटता साहस फूट गया। भड़क उठा संग्राम स्वतंत्रता सभी युद्ध में कूद गए। जेलों की परवाह नहीं की फांसी का फंदा चूम गए। हिंसा नहीं भाई बापू को आंदोलन असहयोग किया। भारत छोड़ो नारा देकर अवज्ञा उपयोग किया। साम्राज्यवाद का तख्त हिल गया अहिंसा की जीत हुई। समझ गया आक्रांता गोरा नहीं भारत है ये छुई मुई। गए फिरंगी मिली आजादी अगणित शहादत देने पर। खून बहाया लड़ी लड़ाई हुंकारा भारत घर घर। दासता की कटी बेड़ियां राष्ट्रनाद उद्घोष हुआ। और वंदे मातरम का स्वर गूंजा जनमन जय घोष हुआ। फहराया तिरंगा फहराया भारतीय तिरंगा दिल्ली के लाल किले पर। अगर शहीद कहानी है ये अमर शहीद कहानी है ये। रहे स्वतंत्रता हमारी कथा बिसरानी ये। फहराया भारतीय तिरंगा दिल्ली के लाल किले पर। स्वतंत्रता का अर्थ को समझो रहो आपस में मिलजुल कर। बनी रहे अंतिम छंद है। बनी रहे हृदय में हमारे अमर शहीद कहानी है। बनी रहे हृदय में हमारे अमर शहीद कहानी है। रहे स्वतंत्रता अमर हमारी रहे स्वतंत्रता अमर हमारी। कथा नहीं बिसरानी है कथा नहीं बिसरानी है। धन्यवाद नमस्कार। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर कांडपाल जी। मेरे देशक सिपाही और उसके बाद
हिंदी में आज की बिल्कुल दिन से मिलती जुलती 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर बहुत सुंदर कविता पाठ हम लोगों को किया। मन मेरा भी कर गया आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, जिन शहीदों की उन्होंने याद दिलाई, चार पंक्तियां पढ़ना चाह रहा हूं कि रक्त की फुहार एक धा रक्त की फुहार एक लाल लाल धार एक, फिर भी सिंह सिंह स्यार स्यार ही कहता है कि रक्त की फुहार एक लाल लाल धार एक, फिर भी सिंह सिंह स्यार स्यार ही कहता है। एक रक्त दास बन प्राणों को छुपाता, एक राष्ट्रहित बागी बन फांसी चढ़ जाता है, और एक निज स्वार्थ हेतु धर्म बेच खाता एक, और धर्म के लिए ही दीवारों में चीना जाता है, और नासिका कटा के एक जयचंद कहाता एक, नासिका कटा के एक जयचंद कहाता एक, शिवा बन भूषण का छंद बन जाता है, शिवा बन भूषण का छंद बन जाता है। ये हमारे देश के ऐसे ऐसे सिपाही हैं, ऐसे ऐसे शहीद हैं, ऐसे ऐसे वीर हैं, ऐसे ऐसे बलिदानी हैं, जिनका जितना नाम लिया जाए उतना कम है। मैं अगले कवि को आगाज दे रहा हूँ, बुला रहा हूँ, श्री नंदन सिंह, नंदन राणा नवल को, रुद्रप्रयाग उत्तराखंड से, राजकीय इंटर कॉलेज में हिंदी के शिक्षक हैं, गढ़वाली और हिंदी में काव्य रचना करते हैं। मैंने जब बात की, मैंने इनसे कुछ परिचय जानने की कोशिश की, तो इन्होंने बहुत संकुचित रूप से कहा, देखिए मुझे परिचय की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है, जितना परिचय मैंने आपको बताया ये परिचय बहुत है। और मैंने वास्तव में लगा कि ये व्यक्ति बहुत इतना कह रहा है, तो मुझे सुनने का मौका मिलेगा, तो मुझे बहुत कुछ मिलेगा। तो नंदन, तुम्हारे लिए चार पंक्तियां पढ़ रहा हूं और तुम्हें बुला रहा हूं कि चिराग धूप का लश्कर बुझाने लगता है, चिराग धूप का लश्कर बुझाने लगता है, बहुत उजाला उजाले को खाने लगता है, ये कौन है कम आंकने वाला, ये कौन है कम करके तोलने वाला, मैं आदमी हूं फरिश्ता बताने लगता है। नंदन राणा, स्वागत है बेटे। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत प्रणाम। और द इनक्रेडिबल पहाड़ी .com के संयोजक आदरणीय रावत सर, आदरणीय संचालक महोदय पंत सर, और पटल पर मेरे साथ काव्य पाठ कर रहे सभी वरिष्ठ और गुणी कलमकारों को और पेज के सभी दर्शकों श्रोताओं को मैं नंदन राणा नवल बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, साधुवाद देता हूँ आदरणीय रावत जी को और उनकी पूरी टीम को कि आपने इस पावन अवसर पर इतने वरिष्ठ कवियों के साथ मुझे भी मंच साझा करने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए आपका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। और सर्वप्रथम आप सबको दो लाइनों से आज के इस पावन पवित्र दिन की शुभकामनाएं देता हूँ, बधाइयां देता हूँ कि अरुण प्रदेश से मरुस्थल थार तक, कि अरुण प्रदेश से मरुस्थल थार तक, चरण बिंदु से भारत के भाल तक, कि अरुण प्रदेश से मरुस्थल थार तक, चरण बिंदु से भारत के भाल तक, स्वजन सा सबका एहसास होवे, और मेरे पीर पर तेरी कराह निकले, कि मेरे पीर पर तेरी कराह निकले, तेरी तरक्की पर मुझे भी हर्ष हो, कि तेरी तरक्की पर मुझे भी हर्ष हो, मंगलमय 15 अगस्त हो, कि मंगलमय 15 अगस्त हो। इन्हीं लाइनों के साथ आप सबको 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं सबसे पहले अपने हिंदी की रचना प्रस्तुत करना चाहूंगा, क्योंकि माँ तो माँ होती है, तो हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो मैं पहले माँ को नमन करूंगा। स्वागत। तो लीजिए मेरी कविता है मैं नहीं हम। जो मैं का भाव आजकल ज्यादा है, तो आज के इस दौर में देश की उन्नति के लिए या खुद की उन्नति के लिए भी इस मैं के भाव को छोड़ना होगा और हम के भाव को लिए हुए आगे बढ़ना होगा। इसी पर ये कविता है कि भावों का नवनीत हो, खुशियों का कोई गीत हो, कि भावों का नवनीत हो, खुशियों का कोई गीत हो, मैं छोड़ें और हम हो जाएं, मेरे मुल्क की ये रीत हो, कि मेरे मुल्क की ये रीत हो।
कि भावों का नवनीत हो, खुशियों का कोई गीत हो, मैं छोड़ें और हम हो जाएं, मेरे मुल्क की ये रीत हो, मेरे मुल्क की ये रीत हो। और लाइनें देखिएगा, एक कल्पना की है मैंने कि राम अधूरे रहमान बिना हो, कि राम अधूरे रहमान बिना हो, पूरे न रहीम भगवान बिना हो, कि राम अधूरे रहमान बिना बहुत हो, सुंदर, बहुत पूरे सुंदर, न बहुत सुंदर। रहीम भगवान बिना हो, और रहे न भेद ईद और होली में, मेरे मुल्क की ये रीत हो, कि मेरे मुल्क की ये रीत हो, भावों का नवनीत हो, खुशियों का कोई गीत हो। गर केरल का पांव दुखे, कि गर केरल का पांव दुखे तो पीड़ा कश्मीर के शीश हो, कि गर केरल का पांव दुखे तो पीड़ा कश्मीर के शीश हो, और थार की गर रेत जले तो अरुणाचल तक फैली शीत हो, कि थार की गर रेत जले तो अरुणाचल तक फैली शीत हो, मैं छोड़ें और हम हो जाएं, मानव से मानव की प्रीत हो, कि मानव से मानव की प्रीत हो। भगवा सबकी आन हो, रंग हरा सबका मान हो, धार्मिक सद्भाव के लिए समर्पित ये लाइन है। भगवा सबकी आन हो, रंग हरा सबका मान हो, और मंदिर की हार से मस्जिद हारे, कि मंदिर की हार से मस्जिद हारे, काबा जीते तो काशी की जीत हो, कि काबा जीते तो काशी की जीत हो, मैं छोड़ें और हम हो जाएं, मानव से मानव की प्रीत हो, कि मानव से मानव की प्रीत हो। लहू हमारा एक है, कि लहू हमारा एक है तो इरादा भी सबका नेक हो, कि लहू हमारा एक है इरादा सबका नेक हो, और एक माटी के बर्तन हम सब, कि एक माटी के बर्तन हम सब, फिर क्यों एक दूजे से भीत हो, फिर क्यों एक दूजे से भीत हो, भावों का नवनीत हो, खुशियों का कोई गीत हो, मैं छोड़े और हम हो जाएं, मानव से मानव की प्रीत हो। कुदरत ने ना कोई विशेष दिया है, कि कुदरत ने ना कोई भेद किया है किसी को, न विशेष दिया है, कि कुदरत ने ना कोई भेद किया है किसी को, न विशेष दिया है, और चतुर सेक रहे स्वार्थ की रोटी, देखो कभी ना उनकी जीत हो, कि चतुर सेक रहे स्वार्थ की रोटी, देखो कभी ना उनकी जीत हो, मैं छोड़ें और हम हो जाएं, मानव से मानव की प्रीत हो, कि मानव से मानव की प्रीत हो। और अंतिम बंद इस कविता का, कि कैसे फिर राष्ट्र बढ़ेगा आगे, गर मजबूत न हो नेह के धागे, कि कैसे राष्ट्र बढ़ेगा आगे, गर मजबूत न हो नेह के धागे, और दौड़ न देश कभी जीतेगा, कि दौड़ न देश कभी जीतेगा, एक पांव गर दूजे का न मीत हो, कि एक पांव गर दूजे का न मीत हो, भावों का नवनीत हो, खुशियों का कोई गीत हो, मैं छोड़ें और हम हो जाएं, मानव से मानव की प्रीत हो, मानव से मानव की प्रीत हो। बहुत 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 धन्यवाद सर, सुंदर, आप मुझे बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बढ़िया। आपने अभी नवल जो कविता पाठ किया उसमें बहुत सारी इतनी शब्दों को बहुत गहराई तक प्रस्तुत करने का एक तरीका, और विशेष रूप से मैं आपको बहुत बहुत बधाई भी देना चाहता हूँ और शुभकामनाएं करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में आप अपने और चरम बिंदु तक पहुंचे। मैं कहना चाहता हूं, मुझे याद आ रही है चार पंक्तियां, कि राह का पत्थर नहीं लुढ़कता फिरता रहूं, कि राह का पत्थर नहीं लुढ़कता फिरता रहूं, मैं नींव का पत्थर हूं, भार सहना जानता हूं, ठोकर खाना नहीं किस्मत में मेरी, ठोकर खाना नहीं किस्मत में मेरी, यूं तो फिर भी गिरते को संभालना जानता हूं। बहुत सुंदर आपने कविता पाठ किया। हम आगे बढ़ते हैं। सुमिता प्रवीण को अभी हम सुनना चाहते थे, एक ऐसी कवित्री जो राष्ट्रीय स्तर पर आज कविता पाठ कर रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनका नाम है। मुंबई की, मुंबई मूल रूप से वहां की निवासी हैं, आजकल हल्द्वानी में हैं, लेकिन हल्द्वानी में लगातार बहुत देर से बारिश है, वहाँ लाइट भी नहीं है पूरे उसमें और नेटवर्क नहीं है, अभी तक हमसे जुड़ नहीं पाई। उनका दो बार फोन आ गया कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि जैसे ही नेटवर्क आता है मैं जुड़ती हूँ, मैं अगले कवि को आपके सामने जोड़ता हूँ। हमारे एक ऐसे मित्र, हमारे दोस्त
और बहुत विशेष रूप से समाज के हर अंग में हर साथियों के साथ जुड़ने वाले श्री रमेश हितेशी हमारे बीच में विराजमान हैं। कुमाऊनी, गढ़वाली, हिंदी तीनों भाषाओं में लिखते हैं। तीनों भाषाओं में कुल 6 किताबें इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। साहित्य के साथ सामाजिक संगठनों में आप सक्रिय रूप से भूमिका निभा रहे हैं। इनका लेखन बहुत गहराई तक पहुंचता है, जिसमें शब्दों को समझने के साथ अगर उन शब्दों को हम समझने के प्रयास करें तो बहुत कुछ मिलता है। रमेश हितेशी हमारे बीच में है, कुछ शब्द आपके लिए मन कर रहा है कैसे कहना चाहता हूं कि कैसे डरती थी चिरागों से हवा भूल गए, कैसे डरती थी चिरागों से हवा भूल गए और आंधियां कटती थी जिससे वो दुआ भूल गए, उसकी फरमाइशें बच्चों की जिदें, उसकी फरमाइशें बच्चों की जिदें अपनी शराब, ये सब याद रहा माँ की दवा भूल गए, ये सब याद रहा माँ की दवा भूल गए, कैसे पागल हो उसी जुर्म को दोहराते हो। कोरोना काल पर विशेष रूप से इन्होंने अपनी शब्दों को पिरोया है कि कैसे पागल हो उसी जुर्म को दोहराते हो, ऐसे लगता है कि तुम पिछली सजा भूल गए, सीख लो हमसे परेशानी मुहैया करना, कश्तियां साथ में रख ली तो हवा भूल गए, कश्तियां साथ में रख ली तो हवा भूल गए। रमेश हितेशी, रमेश जी पंजी नमस्कार, मुझे लग रहा है कि मेरे यहाँ थोड़ा सा नमस्कार पंजी, मेरे शायद मेरे ख्याल नेटवर्क में दिक्कत छे और शायद मेरे ख्याल गोल गोल घूमे मेरे में दिक्कत छे, कद में दिक्कत छे, वो पता लाग मैं बात अब तुम शुरू करो। लेकिन जतुल मेरे पास जतुल नेटवर्क से अगले जी मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहन, मैं आपको सामने पर्वती कवि सम्मेलन से तो एक छोटा सा गीत शायद द्वि मुखड़ा द्वि अंतरा रह जाए तो मैं का सौभाग्य समझूं और सब मैं समय नीचे नेटवर्क में गड़बड़ करनी चाहिए, मैं सब लोगों को नमस्कार कर लूं जनू दगे मैं आज कवि सम्मेलन साझा कर रहे और बहुत कैलेंडर है और बहुत दगे मैं आज पहली बार छू क्या कि मैं एक अंतरा और एक मुखड़ा लगा दी बहुत बड़ी बात थी कि आज नेटवर्क में बड़ी दिक्कत चल रही है। हिट मेरा रंगील मुलुका तू लघुमिया ले, हिट मेरा रंगील मुलुका तू लघुमियाली, धरक पानी ठंडी हवा हिमालय देख्याली, धरक पानी ठंडी हवा हिमालय देख्याली। बांझ बुरास अजलवती पानी के बचानी, काफोआ भमरावती सीति का मिलेनी, उच नीचा बटु में कसा ठुम ठुमा हिटैली, हिट मेरा रंगील मुलुका तू लघुमियाली। आज ले ढूंग डाऊ की वती दबत मानेनी, आज ले ढूंग डाऊ की वती दबत मानेनी, खण हबटी पहली अन्न ओन में चढ़ानी, अपना गौक रीत रिवाज सब देखियाली, हिट मेरा रंगील मुलुका तू लघुमियाली। कुकुर बिराव सुंगर वती इजतल रहनी, कुकुर बिराव सुंगर लवती इजतल रहनी, बिसला नागु के अजी दूध वती पिवानी, गोर बाछुर दल दुके तुले पिठल गयाली, हित मेरा रंगील मुलुका तुले घूमियाली। चौमासा का दर्द धरा अजीले बगेनी, बेड़ती मिल घिंगारू अजी लोन मेरा खानी, चौमासा का दर्द धरा अजीले बगेनी, बेड़ती मिल घिंगारू अजी लोन रवे खानी, जुनाओ का कड़ मुँह पापड़क स्वाद चखियाली, हित मेरा रंगील मुलुका तुले घूमियाली।
बार मेहनत बार तोहर आज ले मनानी ग्यारह दिन गोरबछ को नामकरण करेनी बार महीना बार तोहर आज ले मनानी ग्यारह दिन गोरबछ को नामकरण करेनी चौमास में गोरु भैंसु का गोट देखियाली हित मेरा रंगील मुलुका तुले घूमियाली धुनी जतरा होरी आज ले मिल जुली गहानी धुनी जतरा होरी आज ले मिल जुली गहानी फै पिपाओ देवदार केणी पूजिबे बचानी फै पिपाओ देवदार केणी पूजबटी बचानी पितरों की भूमि में हित दर्शन कयाली हित मेरा रंगील मुलुका तुले घूमियाली कौ गरुड़ घुगुती आज ले सुपल मानी जानी कौ गरुड़ घुगुती आज ले सुपल मानी जानी डनु में ठड़े ढूंग के थान मानी जानी डनु में ठड़े ढूंग जब थान मानी जानी देव की महिमा को गुण गान कबे आली हित मेरा रंगील मुलुका तुले घूमियाली। और अंतिम छंद से के लगे मगर जल्दीबाजी एलिजे रहे कि नेट ना जाल सारा मामला खराब हो जाल एलिजे अंतिम छंद से के खराब ना हो तुम सुनाओ। चत का महन जब फूल खिली जानी चत का महन जब फूल खिली जानी फूल से ज्ञान फूल दे नन घर घर मनानी फूल से ज्ञान फूल दे सब घर घर मनानी सर जंगो पुरुषी फूल तुले देखियाली सर जंगो पुरुषी फूल तुले देखियाली हित मेरा रंगील मुलुका तुले घूमियाली। बहुत बहुत धन्यवाद पंजू इज्जत रह गए और नेटवर्क में इज्जत धर दी कि मैं कम से कम यह कविता कह सकूं। और एक अर्थ आप गए कि हमारे प्रदीप रावत खुदेर जो एक सशक्त कवि छे और बीच में मौक मिला थे एक कविता करना मौक प्रदीप रावत जी के दीदिल और उनको मैं उन्हें मैं अनुमति दे रहा है कि जब लग उन्हें कविता पाठ नंबर आलू पटल पर मैं हटा दिल मैं कोई दिक्कत नहीं है जी पंजी बहुत बहुत धन्यवाद आप बिल्कुल बिल्कुल तुम्हार बात सौ आने सत्य छे जब ले हमन के मौक मिला हम जरूर खुदेर जुल सब कंट्रोल हमारे दगड़ कर रखो हम सबन के जो ले देखने को मौक मिल रहे हो लोगन के वो एक सब श्रेय खुदेर जी का जाए बहुत सुंदर हितेश जुल बहुत अपूर्ण शब्दन में जादूगरी कर बेर हम लोगन के सुना उसके लिए बहुत पहुंची हुए लोग छन। एक बार यो विदेश एक विदेशी दगड़ इनर बातचीत है अब विदेशी इनर दगड़ बातचीत में इन थे कहो मिस्टर रमेश हमारे वहां जो शादी है वो ईमेल से हो जाता है। अब हितेश जुल रमेश जुल सुनो इनका जेंटलमैन हमारे वहां तो फीमेल से ही होता है तो बहुत चश्कीवाल बहुत खुश मिजाजक लोग छन रमेश हितेश जी जू अब हमार दगड़ हमारे सामने एक बहुत पहुंची हुई कवित्री हमारे बीच में बैठी छन श्रीमती मीनाक्षी खंतरवाल एमए अपन हिंदी में कर रखो और एमए आपने पॉलिटिकल साइंस में ले बीएड ले छो दिल्ली सरकारी विद्यालय में 28 वर्ष बठी आपू हिंदी विषय शिक्षिका लेखन में आपू कविता कहानी और नुक्कड़ नाटक बहुत सशक्त माध्यम आपू लिखा हिंदी पत्रिका वनिता व गढ़वाली पत्रिका में आपू कहानी व कविता छपी छन आपूर्ण शब्दन में आपन जो शब्द लिखी कि छोटे छोटे पौधों को वृक्ष बनाती हूँ छोटे छोटे पौधों को वृक्ष बनाती हूँ दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ाती हूँ यद्यपि सारी उम्र दिल्ली में रही हूँ पर मन से खालिस उत्तराखंडी हूँ ये इन्होंने शब्द विशेष रूप से मीनाक्षी जी ने दिए हैं लेकिन अपूर्ण हिसाबेल मैले अपूर्ण शब्द दिनचा कि श्वीणक के इंतजार रू श्वीण के सपने को श्वीण के इंतजार रू आखन के नींद आ जाओ श्वीण के इंतजार रू कि आखन के नींद आ जाओ और दोस्ती ले दोस्ती निरून बीच में अगर हिसाब आ जाओ मिलन हूं हाथ बढ़ून तबे जायज मिलूनी हाथ
तबे जायच आंगुल अगर गिणन है जाओ और नर्म धागन के लीबेर चुटकी में, नर्म धागन के लीबेर चुटकी में मोती दान में पिरुण आ जाओ। मीनाक्षी संतवाय सभी गणमान्य लोगों थके मेरु नमस्कार। मेरी यथा योग्य सेवा सौली। मैं उत्तराखंड बटी छो। यद्यपि मिल उत्तराखंड बहुत कम द्याख, पर उत्तराखंड दगड़ मेरु जन्म को रिश्ता च, मेरी जन्मभूमि च, तो सबसे पहले मैं आप थे की एक छोटी सी प्रार्थना लिखी मेरी, वो प्रार्थना सुनो आप थे की मेरी जन्मभूमि मेरी पितरों की थाती, मेरी जन्मभूमि मेरी पितरों की थाती, तू जुग राज रे मेरी जन्मभूमि मेरे पितरों की थाती, तू जुग राज रे देवतों की आशीष तुए पर सदानी यनी बनी रे, तू जुग राज रे रक्षक च तेरु जुग जुग बटी ही माला, रक्षक च तेरु जुग जुग बटी ही माला, श्रृंगार करदन तेरा हरिया भरिया डाला, श्रृंगार तेरो सदनी यनी बण्यो रैया, मेरी देव भूमि मेरी पितरों की थाती, तू जुग राज रैया कोड़ी पोंगड़ी सगवड़ी गोड़ियों की छानी, कोड़ी पोंगड़ी सगवड़ी गोड़ियों की छानी, मन क्यों की भूखर तीस मिटाणी, सदा व्रत तेरो जननी यनी बण्यो रैया, मेरी जन्मभूमि मेरी पितरों की थाती, तू जुग राज रैया अमृत जन यकाक छैयों कु पाणी, अमृत जन यकाक छैयों कु पाणी, सभी बुलदन यख देखो मिठी बोली पाणी, संस्कृति हमारी ययनी धन्य रैया, मेरी देव भूमि मेरी पितरों की थाती, तू जुग राज रैया मेरी जन्मभूमि मेरी पितरों की थाती, तू जुग राज रैया या मेरी एक छोटी सी प्रार्थना लिखी जाई, विचारू छाई कि हमारा सरकारी स्कूल मा इन प्रार्थना बोले जा, और मिल अपने स्कूल में जब एनुअल प्रोग्राम कराई तो वहां एक गड़ोरी यु गीत भी लिख, और यु गीत मेरे बच्चों गैर लोगों बहुत पसंद कर के लेके हम लिए दगड़ जो चाहिए कि हिंदी वर्जन भी दिया दगड़ दगड़ हिंदी वर्जन भी दिया, और अगर आप इजाजत देला तो आज मैं एक ये दगड़ और कविता बोल जानू छू, कविता इंच की इन देव भूमि हमारी जो कि जुग जुग बटे लोगों की भूख कर तीस मिटाणी च, आज हमारी वो जो देव भूमि च वो पलायन की बहुत मार सहनी च, हम अपने घर देख दो कभी कभी इन कूड़ भी देख दो हम कि जो बंज पड़ी छी न, बंज पड़ी छी हमारी धरती बंज पड़ी छी न, और बड़े दुख हूं हमते की ई चीज से देख के की, तो जरा अपने आंखियों में एक इन मकानों को नजारू लेके आए जरा,
मेरी ये तुमसे प्रार्थना च कि ये सुन चुल पहली आप एक गांव इन देखो कि एक गांव च और एक बहुत बड़ी हवेली च कह जमन बहुत बड़ी हवेली छाई और आज वो खाली पड़ी च वह का आस पास कोई नहीं रेंदू और वह हवेली इतगा रूणी च टपराणी च अपड़ो बजेरी कि आपस में छुई लगानी आपस में छुई लगानी ची पटड़ी तिबरी धुरपली आपस में छुई लगानी ची तो जरा ये कुछ पंक्ति सुनानो छो मैं धुरपली ने धुरपली ने अपने हाथ आंखियो में धरिन धुरपली ने अपना हाथ आंखियो में धरिन और धे लगे नी हे बाला बॉडी है जा हे बाला बॉडी है जा जब बटे ते निर्भगी परदेश गई तो घर नहीं है जब बटे ते निर्भगी परदेश गई तो घर नहीं है जरा सी स्वाणी मुखड़ी दिखे जा कमजोर वे गयो मैं ये घरते थामी थामी कमजोर हो गया ये घर तक की थामी थामी आग न धुआं सिलुड़े भीतरी आग न धुआं सिलुड़े भीतरी बिन घाम की द्वार भी तो ढकिया रंदिन हवा भी नहीं आंदी जांदी द्वार भी ढकिया रंदिन हवा भी तो नहीं आंदी हे बाला कभी द्वारी खोल जा आंदी जांदी हे बाला कभी ये द्वारी खोल जा आंदी जांदी तो इन सुन की तिबरिन बोली दा तू भी क्या छुई झेला गाणी दा तू भी क्या छुई झेला गाणी लाटी किले छे अकेला केले बबड़ाणी किले छे अकेला केले बबड़ाणी कुछ सुनलू अब यूं बाजी कूड़ी पंगड़ियों की खैरी कुछ सुनलू अब यूं बाजी कूड़ी पंगड़ियों की खैरी अब तो मेरी आंख भी छी हुई लाट भी जटे प्राणी फौजी ने ना जब दुई महीने छुट्टी घर आंदा छाई फौजी ने ना जब दुई महीने छुट्टी घर आंदा छाई तो ई तिबरी मां रात दिन कन मेला लगदा छाई कोई गिटार कोई हैसाड़ कोई खेलगार हुन छे हारमोनियम सुनन खुण भी हारमोनियम सुनन खुण भी तिबरिम कत लोग बंद छे और यूं गिछुई सुन के कोठड़ी ने बोली हां भाई दीदी बल्ला छे वो दिन का की बॉडी सब यूं गिछुई और पोर कर दी छे भूली कैम ने बोली इन सौ लींदी दींदी छे कि भूली कैम ने बोली इन सौ लींदी दींदी छे अब तो का की बॉडी भी सब कोटदार पोर चली गई नी अब तक का की बॉडी भी सब कोटदार पोर चली गई नी नौ न बोरियों दगड़ी जाके वखे की हुए गई नी सभ्यों की बिथा सुन की चौक भी हंसन लगी आपन देखे हो लोग की जो गांव में सबसे बड़ो चौक हुंद वक ब्याह भरत का लोग जो हुंदी वखे उथे बैठा दछी तो चौकन बोली कि भाई ओ भी यूं की छुई सुन के की हंसन बैठी हंसन लगी अपना पुराना दिन बड़ बड़ी की याद करने लगी आहा ब्यो भरत मां मिकन रौन के हुंद छ आहा ब्यो भरत मां मिकत ग रौन के हुन छई बनी बनी का भरत आंद छ कोई गोरु कोई काल हुंद छ बाल मंगल दल स्वागत करदु छ बाल मंगल दल स्वागत करदु छ और मंगलेर मांगल लगांदी छई ब्योली की दगड़ा पोणो थे मिठी मिठी गाली दींदी छई और मुंड बंधई दगड़ तोड़े की रस्म भी सरे हिसाब किताब यख में तो हुंद छ और ब्योली की विदय पर फिर सारा गांव एक साथ रूंद छ इतका बोली की चौक अपना आंसू फुंजन लगी इतका बोली की चौक अपना आंसू फुंजन लगी धुरपली तिबरी कोठड़ी आंसू न रोक सकी ओ के आंसू सर चौक रुझन लगी और सुबेर उठी के लोगों देखी भिजू चौक कोठड़ी तिबरी सुबेर उठी के लोगों देखी भिजू चौक कोठड़ी तिबरी बरख वे वेली इन सोचों सबिल कहने नहीं जानी तो की खैरी कहने नहीं जानी तो की खैरी धन्यवाद बहुत बहुत बधाई तुमन के बहुत सुंदर मैं के मौक मिलो मीनाक्षी खंतवाल के रूबरू सुनो और विशेष तौर मेर जन्मभूमि तू जुगराज रहिया और पलायनों एक अंदाज जिमें चाहे वो ब्योलिक विदाई छ या जो लोग हमारे पहाड़ों माहौल छ उसके शब्दन में पिरोणक जो कला मीनाक्षी शब्दन में छ मीनाक्षी कविता में छ मीनाक्षी रचना में छ ये लीजिए के साधुवाद बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे बीच में डांसिंग रावत और लक्ष्मी ना लेखवार नडवाल ले जुड़ी छ बल्कि लक्ष्मी आज प्रोग्राम में ऊन छी लेकिन समय पर हम इधर संपर्क नहीं कर सके और लक्ष्मी ले हमारे हम लोगन के यहाँ सुन लग रहा है ये बहुत बड़ी बात छ और मैं कह नजर ऊन लग रही हो कि हमारे बीच में ले सोनू प्रीति ले हाजिर रह गए सोनू तुम्हारा स्वागत छ बहुत बहुत बधाई तुमन के
15 अगस्त तक विशेष रूप से शुभकामना। हम लोग ना यो कवि सम्मेलन अपन प्रथम जो चरण छो मैं आगे ही बढ़न लाग रहे हो और इमें ही मैं अब एक हमारे बीच में एक बहुत सुंदर सशक्त युवा रूपन मैं कह सकूं एक युवा कवि राजू पांडे मौजूद छन हमारे बीच में। राजू पांडे ग्राम बगौटी जिला चंपावत उत्तराखंड बटी छन। उसके वो दिल्ली में निवास करन, हिंदी और कुमाऊं दियो में लेखन करन, लगभग उनर 300 हिंदी और कुमाऊनी कविता और कहानी विभिन्न पत्रिकान में कुमाऊनी और हिंदी रचनाएं उनर प्रकाशित है चुकी। हेलो हल्द्वानी 91.2 मेरे ख्याल FM में उनर कविता प्रसारित भी है। बकेले मौक मिलो आपो IT हेड छन एक कंपनी में नोएडा में और हमारे बीच में उनर जो भी रचना छ वो सुनाल, लेकिन मैं चाह कि शब्द कुछ उनर लीजिए जो जो जैल जो जाने मैल समझ रखी आपके सुनूं कि प्यारक पहली चिट्ठी लिखण में वक्त तो लागो, प्यारक पहली चिट्ठी लिखण में वक्त तो लागो और नई पक्षण के उड़न में वक्त तो लागो, जिसमें बात नी छी उनर दिल जाने जान छी, जिसमें बात नी छी उनर दिल जाने जान छी, लंबी दूरी तय करण में वक्त तो लागो और लाख कर लियो कोशिश, लाख गांठ अगर पड़ जाओ, गांठ अगर पड़ जाओ फिर रिश्त हो या डोर, गांठ अगर पड़ जाओ फिर रिश्त हो या डोर, लाख कर लियो कोशिश उलण में वक्त ते लागो और हमें जख्मी दिलोग इलाज तो ढूंढ लियो, हमें जख्मी दिलोग इलाज तो ढूंढ लियो पर हमर जख हमें जख्मी दिलोग इलाज तो ढूंढ लियो, गहरी जख्मन के भरण में वक्त ते लागो। हमारे बीच में राजू पांडे। प्रणाम सर, आपके अद्भुत संचालन में मेरे को बोलने का अवसर मिला है। सर्वप्रथम रावत जी को धन्यवाद, इतने सारे शिक्षकों के बीच में एक विद्यार्थी हूँ मैं और मैं आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ एक दोहे के साथ। मेरा वंदन स्वागत है, स्वागत है राजू। मेरा वंदन आपको दिया मुझे यह मान, मेरा वंदन आपको दिया मुझे यह मान, आपके सम्मुख पड़ रहा यह मेरा सम्मान, आपके सम्मुख पड़ रहा यह मेरा सम्मान, यह मेरा सम्मान। बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों को कि आपने मुझे मौका दिया है और पहले कुमाऊनी रचना लीबर आप लोगों के सामने में हाजिर हूँ। कुमाऊनी रचना छु संदेश, मतलब एक जो हमारे सैनिक ज्यादातर हमारे कुमाऊं में गढ़वाल में सैनिक उन्होंने बॉर्डर में लाग उन्होंने, लेकिन उन्होंने जो धर्मपत्नी घर में ऊँची उन्होंने के किस भाव उन्होंने अपने स्वामी के लीजिए उन भावों के प्रकट करने थे कविता छ एक रचना छ संदेश। थोड़ा गौर करिया शब्दों में, अरे अगासी बादलों सुन, अरे अगासी बादलों सुन दूर उड़ बॉर्डर तक जाओ, अरे अगासी बादलों सुन दूर उड़ी बॉर्डर तक जाओ, मेर आखाक आंसू ले, मेर आखाक आंसू ले मेर स्वामी खुद धोआओ, मेर आखाक आंसू ले मेर स्वामी खुद धोआओ। वो जाबे चुपचाप बरसिया, अब बादलों थे रिक्वेस्ट करने अब उन्हें वो जाबे चुपचाप बरसिया घड़घड़ाहट अति जिम करिया, वो जाबे चुपचाप बरसिया अति घड़घड़ाहट जिम करिया, अगर उन सिया होलत, अगर उन सिया होलत बिनती भय इंतजार तुम करिया, अगर उन सिया होलत बिनती भय इंतजार तुम करिया। अब बादलों दगड़ हौथले बिनती करने, जा बादलों संग मेरी गोंख हवा, जा बादलों संग मेरी गोंख हवा तुम अपन बीत चल दिखया, जा बादलों संग मेरी गोंख हवा तुम अपन बीत चल दिखया, वापसी में अपन दगड़ अपन संग मेरे स्वामी खुटो माटी आया, मेरे स्वामी खुटो माटी मयाल हौ तुआ इसके बगे मयाल हौ तुआ उनके ठंड ले जिन लागो,
इसके बगे मयाल हौ तू उनके ठंड ले चिन लगो जब ड्यूट में तैनात होलून, जब ड्यूट में तैनात होलून आंख ले उन चिन लगो। मतलब अगर ठंडी हवा चल रही होती है और सीमा पर सैनिक होता है तो उसकी आंखें लगने का अंदेशा होता है, इसलिए बादल से हवा से रिक्वेस्ट कर रही है इसके बगे मयाल हौ तू उनके ठंड ले जिन लगो जब ड्यूट में तैनात होलून आंख उन जिन लगो। अब आखिरी पंक्ति में एक संदेश दे रही है अपने स्वामी के लिए, लीजा यो की खुशबू, लीजा यो की खुशबू मई लीजा, लीजा यो खुशबू मई लीजा लंबी उम्रो आशीर्वाद दिया या, लीजा यो की खुशबू यो की हव लीजा लंबी उम्रो आशीर्वाद दिया या, तुम्हू पर नाच चाहमू, तुम्हू पर नाच चाहमू मेरी संदेश तुम दिया या, मेरी संदेश तुम दिया या, ओ अगासी बादलो सुना, ओ अगासी बादलो सुना दूर उड़ी बॉर्डर तक जाओ, दूर उड़ी बॉर्डर तक जाओ मेरी आखाक आस लीजा, मेरी आखाक आस लीजा मेरे स्वामी खुद आओ, मेरे स्वामी खुद आओ, मेरे स्वामी खुद आओ। एक बहुत सुंदर छोटी सी, एक छोटी सी रचना अगर कुमाऊनी में और आदेश हो तो, एक छोटी सी, बहुत छोटी सी है अभी आजकल से तो ठीक। हाँ जी, हिंदी की है, हिंदी की है। चलिए 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 सुनाऊं या बड़े सुनाइए। स्वागत। थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर पहले फोन आरोज बॉर्डर बैठे, थोड़ी देर पहले फोन आरोज बॉर्डर बैठे आई लव यू कॉल, थोड़ी देर पहले फोन आरोज बॉर्डर बैठे आई लव यू कॉश हो और खूब निक मानना हो, और खूब निक मानना हो कुन्नौज इस बाजू ध्यान धरे, इस बाजू ध्यान धरे और नतीना ध्यान रखे फिर व्याकुल का फोन कर दू, फिर व्याकुल का फोन उन्त कुन्नौज है, उन्त कुन्नौज है खूब असल छज है, उन्त कुन्नौज है खूब असल छज है तेरियो लाल बिंदी बैठे, तेरियो लाल बिंदी बैठे हरिय और लाल चोरी, उन्त कुन्नौज है खूब छज यहाँ तेरियो लाल बिंदी बैठे हरिय और लाल चोरी, तुम कला फोड़ नहा दीजियो, तुम कला फोड़ नहा दीजियो मेर चूड़ा कला पोष नहा मेर सिंदूर मेर बिंदी, तुम कला फोड़ नहा मेर चूड़ा कला पोष नहा मेर सिंदूर बिंदी कला पोष नहा, एक बैर कह दी दीदी, एक बैर कह दी दीदी, एक बैर कह दी कि तुम झूठ बोल नहा, एक बैर कह दी दीदी कि तुम झूठ बोल नहा कि उन आप ना रहा, कि तुम झूठ बोल नहा कि उन आप ना रहा, कि उन आप ना रहा, कि उन आप ना रहा। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया राजू, तुम्हें बहुत विश्वास, बहुत बुलंद रूपेल अपन आवाज और अपन शब्दन के कविता में ढालवेर हम लोगन के सुना, और युवा कवि राजू बहुत बड़ी कविता ले करें और उसके लिए इनर कहानी लेखन ले बहुत बड़ी छ। एक बखत एक बात छ, इन्हें अपन बच्चे के गलती में एक चपेट लग दे, अब चपेट खाइबेर इनल इनल जो चोल छी इनल से पूछो बाबू, बाबू जब आप गलती कर छा तो तुम्हार बाबू तुमन के मार छा, उनका हाँ मार छी जब गलती करन तो मारनन, इनल बचले बहुत तेज छ उनल के जब तुम्हार बाबू बाबू गलती कर छी तो उनर बाबू का बाबू तुमन के मार छा, उनका हाँ बेटा जब कोई गलती करे तो मारनन, अब जो चोल जो तबले चुप न रहे उनका जब तुम्हार बाबू का बाबू तू गलती कर छी तो उनर बाबू का बाबू को उन्हें मार छा, अब इनके आगे गुस्सा हाँ मार, अब बच्चल बड़े प्यारे को समझ में ना यो खानदानी गुंडागर्दी कबड्डी चल रहे, यो एक थोड़ा बीच में हल्की सी मजाक सी छी, अब हमारे बीच में जना हमारे इंतजार की हमारे प्रारंभ ले करो सोनू, मैंने पूर्व परिचय ले करा दे, मैं क्या मालूम ना कि सोनू वहां बैठी छे, लेकिन अब तब जाने अब सोनू प्रीति मगे यहाँ दिखीन बह गए और मैं शब्द ले लिखा लीन तब जाने कि देर भय तुमन के ऊण में तब ले आछा, देर भय तुमन के ऊण में तब ले आछा दिलल उसके आश नहीं छोड़ी उसी घम पर घबराए ली, हमारे बीच में सोनू प्रीति अध्यापिका राजकीय प्राथमिक विद्यालय मनाण में छ, लोक भाषा कुमाऊनी और हिंदी में कविता और कहानी लेखन करें, दोहे दोहो और कवि गोष्ठियों में इनर प्रतिभागी प्रतिभागिन यू छनु में
आकाशवाणी अलमाड़ भट्टी और पंतनगर जनवाणी सामुदायिक रेडियो केंद्र भट्टी नलकावे पाटले कर रखो। विश्व हिंदी रचनाकार मंच द्वारा यो अमृता प्रीतम सम्मान इनका मिली छ। कुमाऊनी भाषा साहित्य एवं संस्कृति द्वारा विभिन्न मंचों में सोनू सम्मानित ली छु। हमारे बीच में छु तुमन के हम तुम्हार कतुमार कसम जाननू मगर खुद के तुमन है कम जाननू को कह के कतुक चाह आपस में न तुम जान छाओ न हम जाननू सोनू के सांची। नमस्कार सर, आपू सबनों को नमस्कार और मी सबन को सुननी पहली शुरुआत वही सुननी मी थोड़ा सा फोन में पत्ता दिक्कत हरे छी तो बिना के भूमिका बादी मी आपू रसना पा उनू किले उभव नेटला खत्म हरो बदी का खत्म हजार मतलब बदी तो मैं आपू रसना पा जानो सिद्ध। तो आज एक पलायन बड़ा समस्या छू बहुत मतलब बड़ा दुख हूँ कि यहाँ पे पहाड़ में हमारा पलायन हुआ तो ये पलायन पर ही मेरे गीत छू तो सुनिया। रंगीलो मुलुक मेरो कुमगढ़ वाला रंगीलो मुलुक मेरो कुमगढ़ वाला छाजी कसरैया देव वो हिमाला छाजी कसरैया देव वो हिमाला दापतो की जन्मभूमि और शिवाला शंख घंट बजनी घर घर द्वारा रंगीलो मुलुक मेरो कुमगढ़ वाला रंगीलो मुलुक मेरो कुमगढ़ वाला छाजी कसरैया देव वो हिमाला हरिया भरिया बिछे बिछी रे हरियाली खिली रे मुखड़ी जैसी नई नई ब्योली खिली रे मुखड़ी जैसी नई नई ब्योली रंगीला मुलुक मेरो कुमगढ़ वाला छाजी रही कसला देव वो हिमाला मिसिर जी गुई गुई बोले हमारी शाना उत्तराखंड भूमि हमारी महाना उत्तराखंड भूमि हमारी महाना रंगीलो मुलुक मेरो कुमगढ़ वाला छाजी कसरैया देव वो हिमाला मन भतेर कुतकुतानी त्यार ब्यारा भला भल रीत हमारे लगनियो प्यारा भले भल रीत हमारे लगनियो प्यारा सिद्ध साध रहन सहन हमारी पछाणा पीरे मकदम बजुनी मैं सया सयाणा पीरे मकदम बजुनी मैं सया सयाणा रंगीला मुलुक मेरो कुमगढ़ वाला छाजी कसरैया देव वो हिमाला घुगुती कफुआ बस गीत य सुनूनी घुगुती कफुआ बस गीत य सुनूनी मन मजी प्रेम का दिए य जलूनी मन मजी प्रेम का दिए य जलूनी रंगीला मुलुक मेरो कुमगढ़ वाला आहा कस छाजी रही देव यो हिमाला उड़के की थापू मजे गीत नाच हूनी उड़के की थापू मजे गीत नाच हूनी झड़ छपेली मजी मैं सिधिर की रूनी झड़ छपेली मजी मैं सिधिर की रूनी बसु या संस्कृति और हमारी पछाणा बसु या संस्कृति और हमारी पछाणा रंगीलो मुलुक मेरो कुमगढ़ वाला रंगीलो मुलुक मेरो कुमगढ़ वाला रंगीलो मुलुक मेरो कुमगढ़ वाला आहा कस छाजी रही देव वो हिमाला आहा कस छाजी रही देव वो हिमाला। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आपने अपनी शब्दों में हेलो कुमाऊनी और कुमाऊं और गढ़वाल दोनों को पिरोकर
उस देवभूमि उत्तराखंड की बहुत अच्छी महिमा की, बहुत सुंदर शब्दन में तुम्हें सब पुर हमन के हमारे जो पहाड़ जो जैक सुंदरता अपन में एक बिल्कुल अलग छ, बांजा पेड़ मोर पंखी गाढ़ गरिहर और बद्रीनाथ केदारनाथ जस धाम है, और वहां पर्वत प्रदेशक जो नर और नारी किसान जजो जदुक ले हमार पार्वत्य नर और नारी छन सब नो विशेषता हमार उत्तराखंड एक वो हमारी देवभूमि। और एक बार में एक रचना रूप में जो सोनू केती सांचील एक रचना दे एक बहुत बहुत तुमन के साधुवाद सुंदर। अब मैं चाह कि हम एक राउंड हम लोग नागपुर है जहाँ हम मैं चाह हमारे बीच में प्रदीप खुदेड़ जो हम सब लोग ना क्यों जो हम लोग यहाँ प्रोग्राम में जतुक ले कवि लोग बैठी छू इनर एक अगर कंट्रोल कहकर हाथ में छे तो वो प्रदीप खुदेड़ हम लोगन के पुर तरह इनर हमार कमान संभाली छ वो हमार मेरे ख्याल मेरी आवाज के वो सुनने लग रही। मैं बुलूण चाह प्रदीप खुदेड़ के अपन रचना लिबेर हमर सामने खुदेड़ जी मेरी आवाज हाँ तो आप हाँ जस्ट जस्ट जरा पांच सेकंड टाइम दे जरा मैं कैमरा सेट कर दूँ। हाँ हाँ प्रदीप जी हम पूर्ण जो तो ने कंट्रोल हम लोगन बीच में हरे हो उस कंट्रोल में वो हम सबन के समण में आ गया हमारे बीच में प्रदीप सिंह रावत खुदेड़ जी बहुत बड़ी अपन आप में एक कवि ले छन लेकिन टेक्निकली जो साउंड जत वो कविता में छन उतु का वो यो टेक्निकली थी जो हम लोग में हम सब यहाँ जो प्रोग्राम करने लग रहे हैं वो मैं ले छ मैं उनका स्वागत करूँ उन अभिनंदन करूँ और अपन रचना ली बेर अमर सामन प्रदीप सिंह रावत खुदेड़। बहुत बहुत धन्यवाद पंत जी। शायद मेरी आवाज इको का नहीं चाहिए तो आप अपना माइक म्यूट कर दिया जरा। जी जी तो बहुत बहुत धन्यवाद पंत जी। सबसे पहले मैं आप सब स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना दें दो और जब कभी मंच पर लोग बैठे सर उन सभी तक मेरे नमस्कार। जब कभी लोग हमसे देखना चाहन उन सभी तभी नमस्कार। मैं एक अपनी एक रचना सुनाना चाहो कहानी को शीर्षक से कविता शीर्षक से मेरा गांव की कहानी तो लियाओ सुना मेरा गांव की कहानी क्या थी। मेरा गांव की कहानी बड़ी मजेदार थी। मेरा गांव की कहानी बड़ी मजेदार थी। मवसी 300 छन जनसंख्या 1000 थी। मेरा गांव की कहानी बड़ी मजेदार थी। मवसी 300 छन जनसंख्या 1000 थी। आधा गांव बने एक ठेकेदार थे। आधा गांव बने एक ठेकेदार थे। दारू बेचणतों को व्यापार थे। संस्थों की एक हुई भरमार थे। संस्थों की हुई एक भरमार थे। बाटू कजीलन भूरियो थे। बाटू कजीलन भूरियो थे। नई नई क्यों शर्मसार थे। मेरा गांव की कहानी बड़ी मजेदार थे। मवसी 300 छन जनसंख्या 1000 थे। डॉक्टर अस्पताल में घाम तपनो। सरकारी अस्पतालों में दवाई तो मिलनी चाहिए तो घाम ही तपदन। डॉक्टर अस्पताल में घाम तपनो बंगलिकनो दुखरों को उपचार थे। डॉक्टर अस्पताल में घाम तपनो बंगलिकनो दुखरों को उपचार थे। राशन पानी बीपीएल की मिलनी थी। राशन पानी बीपीएल की मिलनी थी। माँ का हकानो दुकानदार थे। श्याम भगत जनना टीवी पर चिपका छन। श्याम भगत जनना टीवी पर चिपका छन। मर्द दारू पे कित लंपसार थे। मेरा गांव की कहानी बड़ी मजेदार थे। मवसी 300 छन जनसंख्या 1000 थे। आंगनबाड़ी में हुई नौनियों की दरकार थे। किले की आजकल तो सब अपना नौना थे वो छोटे से स्कूल भेजन उससे प्राइवेट स्कूल में। आंगनबाड़ी में नौनियों की हुई दरकार थी। चौकदनी दथनन घंटी बजानी। अपनो नौनियाओ भिजनो न क्यों तैयार थी। जख पानी नी तक नहर बनी छन। जख पानी नी तक नहर बनी छन। प्रधान ठेकेदारों की पौबार थी। मेरा गांव की कहानी बड़ी मजेदार थी। मवसी 300 जन जनसंख्या 1000 थी। हर खोवा नेतों की भरमार थी।
हर खोवा नेतों की भरमार थी फिर भी गोर गयो उजाड़ थे। हर खोवा नेतों की भरमार थी फिर भी गोर जानो उजाड़ थे। अब पुंगड़ी पटे सब बंद धुई छन, पुंगड़ी पटे सब बंद धुई छन, हर की बण्यो हपदों को हकदार थे। मेरा गांव की कहानी बड़ी मजेदार थी, मौत 300 छन, जनसंख्या 1000 थी। अब भ्रष्टाचार को आलम देखा है, जो दाना मोर्गन एक साल पहले सिर्फ डाकना कागजों में बचा मा सुमार थे, जो दाना मोर्गन एक साल पहले सिर्फ डाकना कागजों में बचा मा सुमार थे। और जो भैजी अभी जिंद सेटिंग देखा, सेटिंग क्या हुई, जो भैजी अभी जिंद तहसील मा बोज तय कुछ मोरू कुछ दियो प्रमाण थे। अब विधवा पेंशन खाने जिंद मनखी की कसम से तो की पौभार थे। मेरा गाँव की कहानी बड़ी मजेदार थी, मौत 300 छन, जनसंख्या 1000 थे। ऐसा सुना, अब ये विडम ना देखा वा, जो छोरा तखुंद भांड मजानो, जन हम जान भांड मजाना था एक, जो छोरा तखुंद भांड मजानो तय को बेपास नौनियों की लंग तैयार थे। कब रेंद भाई नौन दिल रेंद फटाफट बेपास नौन तैयार थे, जो छोरा तखुंद भांड मजानो तय को बेपास नौनियों की लंग तैयार थे। और जो बांझ गढ़वाल चल दुकानो हयब है, जो बांझ गढ़वाल चल दुकान आते ना, अच्छा यूं का अच्छा बिजनेस चला था ना, जो बांझ गढ़वाल चल दुकान हो तय को तय नौने देनो ना क्यों तैयार थे। मेरे गांव की कहानी बड़ी मजेदार थी, मवस 300 जन, जनसंख्या 1000 थी। अब आजकल एक नई ट्रेन चल, ट्रेन पहले बड़ी था। अब सुना, अपना देवताओं तय घर में अंधकार थे, अपना दो देवताओं तय घर में अंधकार थे, और चांदनी चौक और शहद हुई उदंकार। पर सब एक वीडियो चली थी ना हमारे लिए, जब वो सब नचना था सलाम बाबा सलाम बाबा। तो देखा सुना, अपना देवताओं के घर में अंधकार थी, और चांदनी चौको सैद हुई उदंकार थी। और जो खिलने चौपाल चंबनी सपेन, जग जो खिलदन जो खिलने चौपाल चंबनी सपेन, अब पानी चरीमा हुई गंदगी की भरमार थी। मेरे गांव की कहानी बड़ी मजेदार थी, मौत 300 छन, जनसंख्या 1000 थी। और कविता की आखिरी पंक्ति सुना, तुम हर की बने एक पत्रकार थे, जब बटी फेसबुक और व्हाट्सएप के है तब बटी हर की पत्रकार बने, हर की बने एक पत्रकार थे, फिर भी होनो भ्रष्टाचार थे, और खेती बाड़ी लोकन छोड़े ले मनरेगा देनो रोजगार थे। हर की बने एक पत्रकार थे, फिर भी होनो भ्रष्टाचार थे, और खेती बाड़ी लोकन छोड़े ले मनरेगा देनो रोजगार थे। अब ये सबसे बड़ो सवाल थे, अब ये सबसे बड़ो सवाल थे, ये केवल मेरा गांव की कहानी थी, ये सारा पहाड़ो ही हाल थे। अब ये सबसे बड़ो सवाल थे कि यह केवल मेरा गांव की कहानी थी, ये सारा पहाड़ो ही हाल थी। और अगर सारा पहाड़ो ही हाल थी तो सचमा पंथ जी संकट में कुमो गढ़वाल थे, संकट में कुमो गढ़वाल थे। बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई खुदेड़ जी तुम्हारे रचना बहुत मजेदार छे, तुम्हारे शब्दन में जो बात हम कह नहीं सकना रचना माध्यम क्योंकि यहाँ एक हास्य रूप में प्रस्तुत करने जो प्रयास करो वो प्रयास ने बल्कि बहुत सराहनीय तरीक छी। मैं तुमन के बहुत बहुत बधाई देना चाह और तुमन के एक साधुवाद दे देना चाह कि तुम्हें हमन के मालूम नहीं छी कि तुम्हार ये तो फन ले चन ये तो तुम्हार छुपी हुई जो तुम फनकार छो। और बहुत आनंद आ गयो, हम लोग ने लगभग एक राउंड यहाँ पूर कर है। सुरेंद्र रावत हमारे बीच में मेरे ख्याल मौजूद हो तो उन्होंने हम जरूर सुनो, लेकिन मैं प्रयास कोशिश करूं कि हमारे बीच में ओम ध्यानी हमारे बीच में बैठी छन और उन्हें पहली ले बहुत सुंदर रचना हम लोगन के दे पौड़ी गढ़वाल बटी संपर्क रखनी और उसके आजकल यो मेरे ख्याल दिल्ली में निवास करनी। और ओम ध्यानी बहुत सुंदर रचना पहली भी हम अगर पढ़ी। अब मैं रिक्वेस्ट करूँ अनुरोध करूँ ओम ध्यानी थे कि वो अपन रचना हम कर हम के लिबे रहो सुनाओ। और सुरेंद्र रावत जी मैं दिखने लग गई फिर बाद में कोशिश करूँ कि सुरेंद्र रावत जी के आप जगड़ सामान बोलूँ। ओम ध्यानी माइक खोलो, माइक माइक म्यूट है। हेलो, हाँ माइक खोलो, ठीक है बोलो बोलो। मैं आदरणीय सुरेंद्र सिंह रावत जी थे प्रणाम कर दू और वो बहुत बहुत आभारी छो उनमें थे ये मंच में सम्मिलित करी और साथ में मैं तो यो सौभाग्य मिल की पंत जी का दगड़ में
कार्यक्रम देने को सौभाग्य प्राप्त हुए और मैं आपसे एक विनती चाहूं कि मैं हिंदी में तैयारी नहीं कह रही साहब तो मैं क्या गढ़वाली में एक गीत प्रस्तुत कर सकूं। इससे बढ़िया अच्छा, है बड़ी और के ना बिल्कुल बिल्कुल ओम ध्यानी स्वागत। तो मैं अभी जन की भाई जी ने अभी अपने गांव की कहानी सुने छे तो यहाँ पर याद आ रही गीत की आज की डेट में ये बात बिल्कुल सच छे कि घर में रण वाला युवाओं थे जो शादी में थोड़ा बहुत परेशानी होने तो यहाँ पर आधारित यु गीत तो आपकी अनुमति चाहू। अरे जनकनी के दिन ते ठेले जांद हे छुची कि जनकनी के दिन ते ठेले जांद हे छुची परनी ठेलेंदी परनी झेलेंदी पर निठलेंदी या बांजी रात है कबित बैठी की सुनी जमान की बात है चुची कबित बैठी की सुनी जमान की बात है। अब तक बड़ी नौ ने जवाब देने कि तुए जनत कत के मेरू बाटू हेर देना कि तुए जनत कत के मेरू बाटू हेर देना सानी कर दा पिछने बाटी सीटी मार दीना किसानी कर दा पिछने बाटी सीटी मार दीना सुपने देखना सुना देखना सुपने देखना या ना दिन रात रे धरती आकाश कुए निशक दुसा तेरे चुचा धरती आकाश कुए निशक दुसा तेरे कि बनी बनी का सुपनों की मेरी माला चा बनाई हाँ बनी बनी का सुपनों की मेरी माला चा बनाई बच्चे अजू तक नी छे सुधी गीची चारणई हे बच्चे अजू तक नी छे सुधी गीची चारणई यकुलास से यकुलास से यकुलास से यकुलास से दे जानी जाते कबित बैठी की सुनी जमान की बात है चुची कबित बैठी की सुनी जमान की बात है। अब घर में रहने वो आदमी तो कावी हों तो किले की माटी से जुड़े हुए आदमी से कि कख तु कालु कुसवाणु में जून सी उजारी ये कख तु कालु कुसवाणु में जून सी उजारी केरु क्या रंग रूप यार में दूध सी परारी कि केरु क्या रंग रूप यार में दूध सी परारी प्योली फूल सी प्योली फूल सी तुझे कंडारी पाते रे धरती आकाश कुए निशक दुसा तेरे छुचा धरती आकाश कुए निशक दुसा तेरे ये चार दिन की हुंदे जवानी इतगा बिंगिले चार दिन की हुंदे जवानी इतगा बिंगिले मन का बुरा सिमा तू पतरी सी रिंगिले हाँ मन का बुरा सिमा तू पतरी सी लिंगिले मिठूरी ना हो निर्दयी ना हो मिठूरी ना हो दे जा तुम हाते कबित बैठी की सुनी जमान की बात है सुची कबित बैठी की सुनी जमान की बात है हैसी मजाक मा मन की ले झुरानी छे हाँ हैसी मजाक मा मन की ले झुरानी छे मिछो पे कुमाची यार तुमी कु पानी छे हाँ मिछो पे कुमाची यार तुमी कु पानी छे उदास न हो निराश न हो उदास न हो निराश न हो
उदासी न हो दे दे हक महा तेरे सात जन्म पूजा तुम्हारो साथ रे चुचा सात जन्म पूजा हमारो साथ रे हाँ जनकानी के दिन तिठेले जांदे हे चुची हाँ जनकानी के दिन तिठेले जांदे हे चुची पर निखेलेंदी बांजी रात है कबित बैठी की सुनी जमान की बात है चुची कबित बैठी की सुनी जमान की बात है। धन्यवाद। बहुत सुंदर। ओम ने अपनी उस बात को हम लोगों के सामने रखा जो प्यार के संदर्भ में बहुत गहराई से कहने और सुनने वाले को ही समझ में आती है, लेकिन तुम्हारी ये बात हम सबको बहुत सुंदर रूप से समझ आई है। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं तुमको। चार पंक्तियां मेरा मन कर रहा है तुम्हारी इस रचना पर पढ़ने के लिए कि सिर्फ इशारों में होती मोहब्बत अगर, सिर्फ इशारों में होती मोहब्बत अगर, इन अल्फाजों को खूबसूरती कौन देता। सिर्फ इशारों में होती मोहब्बत अगर, इन अल्फाजों को खूबसूरती कौन देता, बस पत्थर बन के रह जाता ताजमहल अगर इश्क इसे अपनी पहचान न देता, अगर इश्क इसे अपनी पहचान न देता। बहुत सुंदर ओम ध्यानी, तुमने बहुत सुंदर शब्दों में हम लोगों के सामने रचना पढ़ी। इनक्रेडिबल पहाड़ी के सौजन्य से हम लोगों का ये बहुत सुंदर कवि सम्मेलन चल रहा है और मैं उस मौके पर सुरेंद्र सिंह रावत जी को आगाज न दूं, उनको आवाज न दूं, तो ये मेरे पार्ट पर एक बहुत बड़ी गलती रहेगी। मैं बहुत प्रेम से, बहुत स्नेह से, बहुत दुलार के साथ सुरेंद्र सिंह रावत जी को बुलाना चाहता हूं। उन्होंने आज एक इनक्रेडिबल पहाड़ी के तत्वावधान में ये कवि सम्मेलन हम लोगों के सामने आयोजित किया है। अभी कवि सम्मेलन चलेगा, इसका कोई समय सीमा नहीं है। हमारे बीच में मीनाक्षी हंतवाल हैं, हम उनको भी सुनना चाहते हैं। हमारे बीच में नन नवल बैठे हैं, हम उनको भी सुनना चाहेंगे। मुझे लगता है कि सुमित्रा प्रवीण भी प्रयास कर रही हैं, नेटवर्क आ जाए तो मजा आ जाएगा सुमित्रा प्रवीण की कविताओं पे। एक बहुत जानी मानी कवित्री, वो भी उनका भी हमें इंतजार है। सोनू हमारे बीच में बैठी है। मैं फिर भी सुरेंद्र सिंह रावत जी को बिना किसी परिचय के, आप परिचय के मोहताज नहीं है, जितने मेरा तो आपसे परिचय बहुत पुराना है। हम लोगों ने नोएडा में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी पहाड़ के लोगों की, उस समय सुरेंद्र सिंह रावत जी से मेरा परिचय हुआ। बीच में हम संपर्क में नहीं भी रहे, लेकिन आप एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, लेकिन आप इनक्रेडिबल पहाड़ी के सौजन्य से आपने इंजीनियर्स को, डॉक्टर्स को, वकीलों को, बल्कि कुछ जो कुशल वर्कर्स होते हैं, चाहे वो पेंटर हो, चाहे वो प्लम्बर हो, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे वो किसी प्रकार का भी काम करते हो, उन सबको जोड़ कर रखा है ताकि हम सब लोग, पहाड़ के लोग, उनके साथ जुड़े रहें। हम बाहर ना जाएं, हम भीतर ही अपने आप को, अपने आप में अपनी चीज को ढूंढ लें। ऐसा सुरेंद्र सिंह रावत जैसा रत्न हमारे बीच में है, आपको मैं आपका स्वागत करता हूं। इन्होंने एक बहुत सुंदर गीत भी लिखा है, मुझे लगता है कि उसको अगर वो शुरुआत उस गीत की पंक्तियों से करें और उसको उन्होंने जो म्यूजिक दे करके उसको बनाया है, उसको भी हम आज चाहेंगे लॉन्च हो जाए, उसका भी हम लॉन्च करेंगे। सुरेंद्र सिंह रावत, धन्यवाद। मैं सभी वरिष्ठ साथियों के बीच में अपनी कविता प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। उससे पहले मैं दो तीन अपने दोहे आप लोगों को बोलना चाहूंगा। ये उत्तराखंड के ऊपर मैं बोलता हूं जो मुझे महसूस होता है। धैर्य पहाड़ी देखकर दुनिया हुई निहाल, धैर्य पहाड़ी देखकर दुनिया हुई निहाल, ना कहीं कोई बंद है ना कोई हड़ताल, ना कहीं कोई बंद है ना कोई हड़ताल। क्योंकि अक्सर आपने देखा आजकल बंद, हड़ताल, ये सारी चीजें हो गई हैं बड़ी कॉमन, लेकिन फिर भी जो हम पहाड़ के लोग हैं वो इतने शांति प्रिय हैं कि हम उसकी तरफ अभी ध्यान नहीं देते। आज हमारे देश का जो 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, जो एकता है, उसके बारे में भी एक छोटा दोहा मैं बोलना चाहता हूं। ईद, दिवाली, क्रिसमस, सभी खुशी के पर्व,
सारे मनते देश में कितना होता गर्व। तो ये एक मैंने अपने स्वतंत्रता दिवस के बारे में कि हमारी जो एकता है उसके बारे में एक दो लाइन मैंने लिखी थी, वो मैंने आपके सामने रखी। इसके अलावा मैं एक दोहा और आपको बोलना चाहता हूँ, जो हमारे उत्तराखंड के संस्कारों में एक्चुअली वो बसा हुआ है, और उस दोहे को मैंने उत्तराखंड के संस्कार जो है, जिसको मैंने अपना जो वर्ड दिया है, मैं पहाड़ियत वर्ड दिया है, जैसे कश्मीरियत एक वर्ड होता है, वो अपने आप में पूरी कश्मीर की पहचान है, उसमें वो डोगरा हो या मुस्लिम हो या कश्मीरी पंडित हो, वो सब कश्मीरियत में आ जाते हैं। ऐसे ही हमारे चाहे कुमाऊं हो, चाहे हमारे गढ़वाल हो, चाहे हमारे जौनसारी हो, जब हम एक पहाड़ियत शब्द इस्तेमाल करते हैं तो वो पहाड़ियत सभी चीजों को, सभी लोगों को कवर करता है। तो उसके बारे में मैंने कहा है, संस्कार शिशु को मिले, मिले उच्च विचार, उन्नत बीजों से मिले उन्नत पैदावार। तो ये जो हमारे जो संस्कार हैं, जो हमारे जो पहाड़ी लोगों को एक कहा जाता है, ये हमारे उन्नत बीज ही हैं जिसकी वजह से हमारे लोगों में ये संस्कार हैं। इसके साथ में एक अपनी छोटी सी कविता मैं कह रहा हूं, और ये जो कविता है ये इसका शीर्षक है माटी। मुझे आप सब लोगों का स्वागत, आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहिए होंगी इस कविता के लिए। हाँ जी, यह माटी है इतराती है, हर्षाती है बल खाती है। यह माटी है इतराती है, हर्षाती है बल खाती है। वक्त पड़े तो शिखरों को, वक्त पड़े तो शिखरों को, क्षण भर में धूल चटाती है। यह माटी है, यह माटी है। माटी का मोल नहीं जानो, माटी का मोल नहीं जानो, बोलो को इसके पहचानो। माटी का मोल नहीं जानो, बोलो को इसके पहचानो। व्यथा नहीं है कथा है ये, व्यथा नहीं है कथा है ये, करुणा का कुंभ इसे जानो। बाकी रिश्ते हैं क्षण भंगुर, माटी ही साथ निभाती है। यह माटी है, यह माटी है। लघु बीज माटी में मिलकर वृहत विटप बन जाता है, लघु बीज माटी में मिलकर वृहत विटप बन जाता है। कृपा अगर हो इस माटी की, पावन हीरा बन जाता है। कृपा अगर हो इस माटी की, पावन हीरा बन जाता है। मानवता को दे अपना सब, मानवता को दे अपना सब, स्वयं माटी रह जाती है। यह माटी है, यह माटी है। अंतिम छंद है, आज स्वयं आकाश बने जो, आज स्वयं आकाश बने जो, माटी का उपहास करे जो, आज स्वयं आकाश बने जो, माटी का उपहास करे जो। एक दिन ऐसा आने वाला, एक दिन ऐसा आने वाला, स्वयं एक इतिहास बने वो, आज स्वयं आकाश बने जो, माटी का उपहास करे जो। एक दिन ऐसा आने वाला, स्वयं एक इतिहास बने वो। चूर गर्व में रहने वालों, चूर गर्व में रहने वालों को भी हृदय लगाती है। यह माटी है, यह माटी है, हर्षाती है बल खाती है। वक्त पड़े तो शिखरों को, क्षण भर में धूल चटाती है। यह माटी है, यह माटी है। धन्यवाद। बहुत सुंदर सुरेंद्र भाई, आपने माटी को विभिन्न रूपों में हम लोगों के सामने परोसा, और उसका हम सभी ने बहुत आनंद लिया है। हमारे साथ बहुत से और लोग इस समय जुड़े हुए हैं। मैं क्षमा चाहूँगा कि मैं हर एक का नाम यहाँ पर नहीं ले पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम इस प्रथम दौर को हम लोगों ने लगभग पूरा कर लिया है। सुरेंद्र रावत जी से एक उन्होंने गीत का भी यहाँ पर लॉन्च करना है, बहुत मधुर संगीत के साथ गीत को बनाया गया है।
अगर वो मुझे जानकारी दे देंगे कि उसको हम कब लॉन्च करना चाहेंगे। और मैं अब चाहता हूं कि हमारे बीच में मीनाक्षी पंतवाल जी बैठी हैं और उनसे हम एक और रचना सुनना चाहेंगे। वो अपने पसंद से वो रचना, चाहे वो हिंदी की रचना पढ़ना चाहें या वो पहाड़ की गढ़वाल की रचना पढ़ना चाहें, उनका स्वागत है। मीनाक्षी, बहुत शुक्रिया। स्वतंत्रता दिवस पर कुछ पंक्तियां लेकर आई हूं आपके सामने। स्वतंत्रता की हम लोगों को कीमत नहीं रह गई है। ये स्वतंत्रता जो हमने बहुत मुश्किलों से पाई है, आज हम गुज़िश्ता वर्षों के साथ इसे भूलते जा रहे हैं। 75वें स्वतंत्रता दिवस की आज मैं सबको बधाई देते हुए ये कहना चाहती हूँ कि ये स्वतंत्रता हम अक्षुण रख पा रहे हैं, जो वो उन जवानों की वजह से रख पा रहे हैं, जो जवान सर्दी में, गर्मी में, बरसात में और जीरो से भी -50 डिग्री के टेम्परेचर में, जहां पर की ठंड गला देती है हड्डियों को, ऐसी जगह पर खड़े हैं क्योंकि ताकि हम आराम से इस आजादी का उपभोग ले सकें, आनंद ले सकें। कभी ठंड में ठिठुर कर देखना, मैं लोगों से कहना चाहूंगी, कभी ठंड में ठिठुर कर देखना, कभी तपती गर्मी में झुलस कर देखना कैसे की जाती है मुल्क की हिफाजत, जरा सरहद के पास जाकर देखना। तो कोई इन पंक्तियों के साथ मैं अपने देश के जवानों को नमन करना चाहती हूँ। माटी का कर्ज चुकाना है तो देश यज्ञ में हवन करो, माटी का कर्ज चुकाना है तो देश यज्ञ में हवन करो, आओ मेरे देश की जनता हर जवान को नमन करो, हर जवान को नमन करो। जिसके स्वेद कणों से निर्मित आंचल हिम के आलय का, जिसके स्वेद कणों से निर्मित आंचल हिम के आलय का, जिसके कारण चमक रहा है उज्जवल भाल हिमालय का, उसके लहू की बूंद से है उगता रवि अपने आंगन में, उसके लहू की बूंद से है उगता रवि अपने आंगन में, उसकी कुर्बानी से है खुशहाली हिंद के प्रांगण में, बाल लाल रवि में उन वीर जवानों का आह्वान करो, मेरे देश की जनता उन जवानों को नमन करो, आओ मेरे देश की जनता उन जवानों को नमन करो। जो तिरंग गणतंत्र दिवस को देश मेरा फहराता है, एक विडंबना बताना चाहूंगी हमारे देश की कि हम अपने तिरंगे झंडे को 26 जनवरी के दिन निकालते हैं और उसके बाद हम उसे फोल्ड करके रख देते हैं, फिर 15 अगस्त के दिन ही हम में देशभक्ति जागती है। जो तिरंग गणतंत्र दिवस को देश मेरा लहराता है, वो तिरंग फिर 15 अगस्त के दिन ही निकाला जाता है, पर उस तिरंग को रख छाती पे हर फौजी इठलाता है, उस तिरंग को रख छाती पे हर फौजी इठलाता है, शत्रु दलों के बीच जिसे ले दुश्मन को थर्राता है, शत्रु दलों के बीच जिसे ले दुश्मन को थर्राता है, उसी तिरंग का कफन ओढ़ जो, उसी तिरंग का कफन ओढ़ जो परम धाम को जाता है, उस तिरंग के असली वाहक वारिस को प्रणाम करो, आओ मेरे देश की जनता हर जवान को नमन करो, हर जवान को नमन करो। माटी का कर्ज चुकाना है तो देश यज्ञ में हवन करो, आओ मेरे देश की जनता हर जवान को नमन करो, हर जवान को नमन करो। जिस माटी में जन्म लिया इस तन पे जवानी आई है, जिस माटी में जन्म लिया इस तन पे जवानी आई है, जिस तन पर रीझे हैं हम सुध बुध सारी बिसराई है, जिस तन पर रीझे हैं हम सुध बुध सारी बिसराई है, हम काम देश के आ न सके तो कैसी भला जवानी है, हम काम देश के आ न सके तो कैसी भला जवानी है, पर हर फौजी के जीवन की एक गौरवमयी कहानी है, पर हर फौजी के जीवन की एक गौरवमयी कहानी है। आओ इनसे लेके प्रेरणा, आओ इनसे लेके प्रेरणा, शुष्क जिंदगी चमन करो,
आओ मेरे देश की जनता, हर जवान को नमन करो, माटी का कर्ज चुकाना है तो देश यज्ञ में हवन करो, माटी का कर्ज चुकाना है तो देश यज्ञ में हवन करो, मीना के संग मिलकर भारत के जवान को नमन करो, भारत के जवान को नमन करो। धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत सुंदर आपने स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर इतनी सुंदर रचना हम सब लोगों को देशभक्ति से जुड़ी हुई उसका रसास्वादन कराया, और जितने भी लोग उसको सुन रहे हैं उन सबको यकीनन वो बहुत अच्छी लगी होगी। शब्द, एक एक शब्दों का अपना महत्व उस पूरी रचना में जुड़ा हुआ है। मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ, और बहुत अच्छे स्तर पर ये कवि सम्मेलन हम लोगों का पहुंच गया है। हम सभी लोग एक से बढ़कर एक अपनी रचनाओं का पाठ यहाँ पर कर रहे हैं। हम लोग, सबसे बड़ी चीज ये है कि जहाँ हम उत्तराखंड से गढ़वाल और कुमाऊनी परिवेश को लेकर यहाँ पर अपनी कविताओं को दे रहे हैं, वहीं अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी बहुत सुंदर रूप से दोनों ही भाषाओं का स्वागत हो रहा है। मैं इस मौके पर अपने बीच में नंदन राणा नवल, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपनी एक रचना हम सबके सामने लेकर आए, हम उनको सुनना चाहेंगे। नवल जी, धन्यवाद सर, एक बार पुनः आप सबको मेरा प्रणाम, और आदरणीय रावत जी को, सभी दर्शकों को, और मंच पर विराजमान कलम के सभी साधकों को मेरा प्रणाम फिर से। और अब मैं अपनी मातृभाषा गढ़वाली माँ एक कविता प्रस्तुत करना छो। कविता का शीर्षक छे अरज, भगवान से विनती, कवि की कुछ विनती छे। ये उम्मीद का दगड़ा है कि आप लोग ने पसंद आ ली, तो लिया प्रस्तुत छे मेरी कविता अरज की। मैं ना बड़ी हवेली और ना बड़ो भगवान दे, भगवान से विनती कि मैं ना बड़ी हवेली और ना बड़ो भगवान दे, भूलू भटकू ठहरु जक मैं यनो मकान दे, कि भूलू भटकू ठहरु जक मैं यनो मकान दे। मैं ना बड़ी हवेली अर न बड़ू भगवान दे, भूलू भटकू ठहरु जक मैं यनो मकान दे, कि भूलू भटकू ठहरु जक मैं यनो मकान दे। सरी दुनिये दौलत भगवान तुम्हें कभी न दे, कि सरी दुनिये दौलत भगवान तुम्हें कभी न दे, पूरी हुई जो मेरी जरूरत बस तुम्हें इथी दे, कि सरी दुनिये दौलत भगवान तुम्हें कभी न दे, पूरी हुई जो मेरी जरूरत बस तुम्हें यथी दे। आना जानो भी पेट भरियो और मैं भी भूख न रहो, कि आना जानो भी पेट भरियो और हम भी भूख न रहो, अंजली भर चौल और मुठ भर पिशान दे, कि अंजली भर चौल और मुठ भर पिशान दे। मैं ना बड़ी हवेली अर न बड़ू भगवान दे, भूलू भटकू ठहरु जक मैं यनो मकान दे, कि भूलू भटकू ठहरु जक मैं यनो मकान दे। औकात अपनी बिसरी जो मैं जै जगह पहुंची, कि औकात अपनी बिसरी जो मैं जै जगह पहुंची, तू मैं यनी जगह अर वो सुबह कभी न दे, कि औकात अपनी बिसरी जो मैं जै जगह पहुंची, तू मैं वो जगह अर वो सुबह कभी न दे। शाबाशी मिल जो कभी मैं ते मेरा काम से, कि शाबाशी मिल जो कभी मैं ते मेरा काम से, हौसला हो मेरे दुगना पर न मैं गुमान दे, पर न मैं गुमान दे, भूलू भटकू ठहरु जक मैं इनु मकान दे। मैं ना बड़ी हवेली अर न बड़ू भगवान दे, कि मैं ना बड़ी हवेली अर न बड़ू भगवान दे। हाथ टुक तक पहुंची जाओ जय धरती बिटिन मेरा, कि हाथ टुक तक पहुंची जाओ जय धरती बिटिन मेरा, मैं ते मेरी अपनी माटी अर मेरी वो जमीन दे, कि हाथ टुक तक पहुंची जाओ जय धरती बिटिन मेरा, मैं ते मेरी अपनी माटी अर मेरी वो जमीन दे। मिठी बाणी मयल सुबह, कि मिठी बाणी मयल सुबह, पछाण मेरी बनी जो बुलन से पहले जो तरज तुलो मैं यानी जवान दे, बुलन से पहले जो तरज तुलो मैं यानी जवान दे। मैं ना बड़ी हवेली अर ना बड़ू भगवान दे,
भूलू भटकू ठहरू जग मैं इनो मकान दे, कि भूलू भटकू ठहरू जग मैं इनो मकान दे। आंधी जांदी सांस मेरी तेरो ही गुणगान करूं, कि आंधी जांदी सांस मेरी तेरो ही गुणगान करूं। तुझ कुड़ी तें धड़कड़ो न कोई होर बानो दे, सुबेरे पूजा हो ये शाम की संध्या हो, कि सुबेरे पूजा हो ये शाम वक्ते संध्या हो। निष्पाप मेरो चित्त हो मैं यो मन चंदो दान दे, कि निष्पाप मेरो चित्त हो मैं यो मन चंदो दान दे। भूलू भटकू ठहरू जग मैं इनो मकान दे, मैं ना बड़ी हवेली अर न बड़ू भगवान दे, कि मैं ना बड़ी हवेली अर न बड़ू भगवान दे। और अब कविता को आखिरी बंद, कि सोनो चांदी हीरा मोती, कि सोनो चांदी हीरा मोती सैकी कुछ होने नहीं, कि सोनो चांदी हीरा मोती सैकी कुछ होने नहीं। पीढ़ियों तक जो काम ओ मैं ते इनो ज्ञान दे, कि पीढ़ियों तक जो काम ओ मैं ते इनो ज्ञान दे। सभी जाति सभी धर्म मिलजुली रौन जक, कि सभी जाति सभी धर्म मिलजुली रौन जक। मैं ते नई पीढ़ी और नए जमानों को हिंदुस्तान दे, कि मैं ते नई पीढ़ी और नए जमानों को हिंदुस्तान दे। मैं ना बड़ी हवेली और ना बड़ू भगवान दे, भूलू भटकू ठहरू जग मैं इनो मकान दे, कि भूलू भटकू ठहरू जग मैं इनो मकान दे। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। शायद पंत जी को नेटवर्क मेरे ख्याल से गड़बड़ हो गई। मुझे लग रहा है नेटवर्क की समस्या होगी, ऐसा ऐसा ही लग रहा है। आ गया सर, आ गया। हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क की दिक्कत थी। नवल जी ने बहुत सुंदर अपना कविता का रचना पाठ हमारे बीच में किया। हम लोग पंजी मैं ये सोच रहा था कि जिस तन्मयता के साथ और जिस शिद्दत के साथ और मतलब बोलना चाहिए कारीगरी के साथ आपने संचालन किया है अभी तक मंच का, मेरा मेरा अपना मन ये कहता है कि अगर आप कभी कभी हमारे जो मौजूद हैं वो अगर वो भी एग्री करते हों, तो मैं चाह रहा था कि हम हेम पंत जी से एक आग्रह करें कि वो भी एक अपनी कविता हमें सुनाए, क्योंकि अभी तक वो मंच का संचालन कर रहे हैं, तो एक पूर्ण कविता जो पूरी कविता के वो अगर हमें सुनाए, तो अगर आप देखिए सभी लोग मेरे ख्याल से यही चाहते हैं जो मैं चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जी, आपसे आग्रह स्वागत है, आप एक है ना अपनी एक कविता सुना के हमें सभी लोगों को अनुग्रहित करें। हाँ, सुरेंद्र रावत जी ने अनुरोध किया है, उसके मैं लगभग लगातार संचालन में मैं बहुत कुछ आप लोगों के सुना है, फिर ले मेरी कोशिश रहा कि यो एक पर्वतीय कवि सम्मेलन छ, और आज स्वतंत्रता दिवस जिन हालातन में हम लोग ये कह मनून लग रहे हैं, जिस साल बटी हम लोग जो विपदा हम लोगन के लगातार घिरा रहे कोरोना काल में, मैंने एक रचना बहुत छोटी सी रचना आपों के सुनोनक मेरी इच्छा छ, आप सबन के एक गजलक रूप में रचना मैं लिखी और आपों के सबन का सुनोन चाह। कि हाथन के धोने की आदत याद धरिया, हाथन के धोने की आदत याद धरिया, मिलन में दूरी हो याद धरिया, भीड़ में आपू के नि करो शामिल, भीड़ में आपू के नि करो शामिल, क्वे की लिबे रारो याद धरिया, मिलन में दूरी हो याद धरिया। हाथ के झट मिलुना लीजी, हाथ के
झट मिलुणा लीजी जन बढ़ाया नमस्कार कूण याद रखिया मिलन में दूरी हो याद धरिया को के रूपेल देखन लागरो तुमन के को के रूपेल देखन लागरो तुमन के दूरल पढ़िया आखन के चार करण याद धरिया मिलन में दूरी हो याद धरिया यो तबाहिल कतुकन के तोड़े हाल बहुतन के विनाश की करुणा काल में हम लोग ने लपण बहुत सगे संबंधिन के हमें सबरन के उनके छोड़ है तब मैं लियो पंक्ति लिखी कि यो तबाही ले कतुकन के तोड़े हालो मदद करिया यो सबक याद धरिया मिलन में दूरी हो याद धरिया और यो कुदरत पत्त ने कश गुल खिला दे यो कुदरत पत्त ने कश गुल खिला दे घमंड जन करिया नेकी करण याद धरिया हाथन के धोने का आदत याद धरिया मिलन में दूरी हो याद धरिया और अंतिम बंद छ कि कोरोना वायरसेल जिंदगी बदल डाली है कोरोना वायरसेल जिंदगी बदल डाली है मोह माया नी लपेटो मोह माया नी लपेटो यू बात याद धरिया हाथन एक धोने का आदत याद धरिया मिलन में दूरी हो याद धरिया कोरोना काल में एक रचलिया और एक मन करण लाग रहे हो कि एक पलायन में बहुत पहली पलायना रूप में मैं कुछ पंक्ति लिखी बहुत नान नान कविताएं छन तो मैं आपू का सुनाना कोशिश करूं कि जब बठी पहाड़ा लोग शहरन में की आ गई जब बठी पहाड़ा लोग शहरन में की आ गई पहाड़े होकनी कत्थे पे छोड़ गई जब बठी पहाड़ा लोग शहरन में की आ गई पहाड़े होकनी कत्थे पे छोड़ गई इजके मम्मी बना है लो और मम्मी में मम्मी तुम जान सा जब मैं मरी हुई शरीर धरनन क्योंकि मम्मी बोलना इजके मम्मी बना है लो और बाबू डेड है गई इजके मम्मी बना है लो और बाबू डेड है गई धोती टोप पैरण छोड़ी बेल बॉटम पैरी मॉडर्न है गई जब बठी पहाड़ा लोग शहरन में किया गई पहाड़ पनों स्वाभिमान छोड़ी आपू के हिलसो बतू अब तुम कहते पहाड़ से पूछ लियो ना ये जो हाल छो हमारे आज में कहाँ के हो मैं तो हिल्स का हूं अरे यार तू कहाँ से बता उत्तराखंडी छो पहाड़ ने पहाड़ पनों स्वाभिमान छोड़ी आपू के हिल्सो बतूनी और झाड़ हालन छोड़बेर नांतीनन के डिस्को सिखूनी पहाड़ बे आई एक मेहमान थे मैल पूछो पहाड़ बटी आई एक मेहमान थे मैल पूछो के हो कब आछा फट कून लागो हम तो यही ट्रांसफार्मर है हम तो यही ट्रांसफर है गई जब बटी पहाड़ा लोग शहरन में किया गई पहाड़े घोकणी कत्था पे छोड़ा गई और एक बहुत छोटी सी रचना पाथर कि चुप का हुनन पाथर चुप का हुनन पाथर बोलन उले सुरेंद्र जी आपका ध्यान चाहूंगा कि चुप का हुनल पाथर बोलन उले प्रतिमा रूप में दीवारक शकल में और खंडरक लिबास में प्रतिमा रूप में दीवारक शकल में और खंडरक लिबास में या फिर तब जब उछाली जानी एक दुशर में जब उछाली जानी एक दुशर में एक और छोटी सी रचना विनाश हम लोग ने जो आपदा हमने झेली तब मैं जो एक बहुत छोटी रचना लिखी कि हर बार जी की फुटू ज्वालामुखी घर्षणा साथ मीनाक्षी जी देव सुनिएगा शब्दों को कि हर बार जी की फुटू ज्वालामुखी घर्षणा साथ माठू माठू ले फैलू लावा नासुरा नाथ माठू माठू ले फैलू लावा नासुरा भात और भीतर भीतर बणूच विनाशक सुरंग और भीतर भीतर बणूच विनाशक सुरंग बिल्कुल उसी जस करूं घूस जमीनों को नाश
हर बार जी की फुटू ज्वालामुखी घर्षणाकार छोटे नान नान रचना लिख रखी। अगर समय मिल लो तो मैं अपन हिंदी रचना में जो देशभक्ति लीजिए लिख रखी सुरेंद्र रावत जी। हाँ मैं चाहूँ, हाँ सुरेंद्र जी मैं चाहूंगा तुम्हें मैं कह आगाज दे और आज एक गीत आपूं ये कार्यक्रम में लॉन्च करने का विचार छ। मैं चाह कि कह एक पंक्ति आपूं पहली सुनाओ और ये बात पे कह एक विधिवत रूप पर हम भी कह लॉन्च ले करो सुरेंद्र। धन्यवाद पंजी। एक छोटा सा कुमाऊनी गीत मैंने लिखा है और वो मैं आप सभी के समक्ष रखना चाह रहा हूं, आशा है मुझे आपका आशीर्वाद मिलेगा। निर दगड़ी आओ रे, निर पहाड़ आओ रे, ठंड ठंड पानी पियो, ठंडी हवा खाओ रे। निर दगड़ी आओ रे, निर पहाड़ आओ रे, ठंड ठंड पानी पियो, ठंडी हवा खाओ रे। देव भूमि यो कहाँ ची, बोलिया की सबों साची। देव भूमि यो कहाँ ची, बोलिया की सबों साची। म्यार पहाड़ म्यार पराण, म्यार पहाड़ म्यार पराण, आबे देख जाओ रे। म्यार तगड़ी आओ रे, म्यार पहाड़ आओ रे, ठंड ठंड पानी पियो, ठंडी हवा खाओ रे। मनवर वटा झुंगरो भात, गहत डुबुक शिशोण साग। मनवर वटा झुंगरो भात, गहत डुबुक शिशोण साग। अलमोड़े की बाल मीठे और सिंगोड़ी खाओ रे। म्यार दगड़ी आओ रे, म्यार पहाड़ आओ रे, ठंड ठंड पानी पियो, ठंडी हवा खाओ रे। म्यार दगड़ी आओ रे। गध्योरों को मीठो पानी, गध्योरों को मीठो पानी, को हुनोलो छोड़ बे जानी। गध्योरों को मीठो पानी, को हुनोलो छोड़ बे जानी। अब पहाड़ लौट आओ, अब पहाड़ लौट आओ, बांजी गांव बसाओ रे। म्यार दगड़ी आओ रे। इसी को आज मैं आपके समक्ष संगीत में लॉन्च करने जा रहा हूं, जिसकी का संगीत मैंने बना के अपने एक संगीतकार कंपोजर से इसको मैंने कंपोज कराया है और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। मैं आपके सामने ये पेश कर रहा हूं। Thank you.
जो गीत बना है वो मैंने एक 20 साल के बच्चे से कंपोज करवाया है। इसको सारा मैंने उसको गाइड किया और एक 22-23 साल की नई उभरती कलाकार ने इस गीत को गाया है और जो बच्चा है जिसने म्यूजिक का कंपोज किया है वो अभी 20 साल का ही है। तो हमारे यहाँ पर इतना टैलेंट भरा है कि आप देखेंगे कि उसने अच्छा एक प्रयास किया और यह आपको सबको पसंद आया तो मैं इसको आज आप सबके सामने मैंने लॉन्च किया है। अब इसको मैं बाकी जगह में धन्यवाद। किरण जी आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आपको इसके लिए साधुवाद कि आपने इतना सुंदर गीत लिखा और उसको जिस ढंग से आपने म्यूजिक पर कंपोज करके लॉन्च किया है उसके लिए वास्तव में आप बधाई के पात्र हैं। और आज इनक्रेडिबल पहाड़ी के इस कवि सम्मेलन में इस गीत का, आपकी इस सुंदर रचना का म्यूजिक के साथ लॉन्च होना वो भी एक बहुत अच्छा संकेत है। आज इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस पर ये एक बहुत सुंदर गीत, हम पहाड़ की ओर चलें, वास्तव में हम पहाड़ की ओर लौटें। और अब ये एक समय की भी मांग है कि वो देव प्रदेश, वो देवस्थली जहाँ पर सब चीज, हर चीज वहां पर है लेकिन हालात ऐसे थे कि हमें मजबूरी में पलायन वहां से करना पड़ा। हम पलायन के साथ साथ आज अगर हम इस रूप में सक्षम हो चुके हैं तो अपने पहाड़ को न भूलें, इस आस को लेकर के हम चाहते हैं कि इस गीत का आगे आप प्रचार और प्रसार होता रहे। ये हम लोगों की अपनी तरफ से शुभकामनाएं हैं। आपको एक बार पुनः बधाई। हम लोगों का ये बहुत लंबे समय से ये आज का ये कवि सम्मेलन चल रहा है। हम लोग सुमिता प्रवीण को भी सुनना चाहते थे, वो हमारे बीच में नहीं आ पाई हैं। राजू पांडे से मैं निवेदन करूंगा अपनी छोटी सी रचना, क्योंकि आपको आपकी रचना हमें सुननी है और उसके बाद हम चाहेंगे कि यदि और हमारे बीच में और नहीं जुड़े हैं, हितेश जी अगर हैं तो राजू पांडे। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा सर थोड़ा। हाँ एक निवेदन था सर मेरा ना। नवल बोलो। हाँ सर, मुझे 6:30 बजे से कार्यक्रम में भी जाना है। मेरे ख्याल से हम लोगों ने बहुत सुंदर रूप से इस कवि सम्मेलन को पूरे ढंग से चलाया है और हम चाहते हैं कि राजू भाई अगर हम यहाँ विराम दें, आप कोई रचना पढ़ेंगे? नहीं, जल्दी से, जल्दी से उनको पढ़ने, उनको पढ़ने दीजिए, पांडे जी को पढ़ने दीजिए। बस नवल थोड़ी देर, दो मिनट और बैठ, दो मिनट। पहले शेर से, जेठ की धूप सी है जिंदगी यहाँ, जेठ की धूप सी है जिंदगी यहाँ, यहाँ कोई छांव थोड़े है, जेठ की धूप सी है जिंदगी यहाँ, यहाँ कोई छांव थोड़े है, बांट ले कोई तेरा पसीना, बांट ले तेरा कोई पसीना, राजू ये तेरा गांव थोड़ी है, राजू ये तेरा गांव थोड़ी है। बहुत शानदार। देशभक्ति पे एक गजल है छोटी सी, जली है लौ जो भक्ति की, जली है लौ जो भक्ति की, लौ भक्ति की, लौ का मतलब यहाँ देशभक्ति से है, आजकल दूसरी भक्ति भी चल रही है देशभक्ति। जली है लौ जो भक्ति की,
लॉ ये बुझने ना पाए, लगा दें जान की बाजी कि तिरंगा झुकने ना पाए, लगा दें जान की बाजी कि तिरंगा झुकने ना पाए। खड़ा है वीर हिमगिरी सा, खड़ा है वीर हिमगिरी सा वतन के शान की खातिर, खड़ा है वीर हिमगिरी सा वतन के शान की खातिर, बजाओ मान में ताली कि ताली रुकने ना पाए, कि ताली रुकने ना पाए, लगा दें जान की बाजी तिरंगा झुकने ना पाए, लगा दें जान की बाजी तिरंगा झुकने ना पाए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बड़ा सम्मान जो भी हो, बड़ा सम्मान जो भी हो वो अपने सैनिक का, बड़ा सम्मान जो भी हो, चाहे वो भारत रत्न हो कोई रत्न हो, बड़ा सम्मान जो भी हो वो अपने सैनिक का, मौका उनके आदर का कोई भी चुकने ना पाए, लगा दें जान की बाजी तिरंगा झुकने ना पाए, लगा दें जान की बाजी तिरंगा झुकने ना पाए। अगला बात, सीमा पर तो फौजी है, हमारे भी क्या कर्तव्य है, सीमा पर तो फौजी है हमें भी कुछ तो करना है, सीमा पर तो फौजी है हमें भी कुछ तो करना है। सबने थोड़ी देर पहले कुछ जयचंदू का जिक्र किया था, वही जयचंदू की बात कर रहा हूँ। सीमा पर तो है फौजी हमें भी कुछ तो करना है, अगर कोई भी हो जयचंद, अगर कोई भी हो जयचंद, अब वो छुपने ना पाए, अब वो छुपने ना पाए, लगा दें जान की बाजी कि तिरंगा झुकने ना पाए, तिरंगा झुकने ना पाए। यहाँ बहुत से देशभक्ति की रचनाएं आपने भी पढ़ी, मैं भी देशभक्त की बातें कर रहा हूँ, तो इसमें बात है, तुम्हारी सोच में है वतन, तुम्हारी सोच में है वतन, मेरी भी सोच में है वतन, तुम्हारी सोच में है वतन, मेरी भी सोच में है वतन, चला जो कारवा साथी, चला जो कारवा साथी, अब ये रुकने ना पाए, अब ये रुकने ना पाए, लगा दें जान की बाजी, लगा दें जान की बाजी कि तिरंगा झुकने ना पाए, तिरंगा झुकने ना पाए। अंतिम पंक्ति है, अंतिम पंक्ति है, समय की मांग है राजू, समय की मांग है राजू, मिले गद्दार को गोली, समय की मांग है राजू, मिले गद्दार को गोली, कि कसाब सा कातिल धरा पे घुसने ना पाए, कि कसाब सा कातिल धरा पे घुसने ना पाए, लगा दें जान की बाजी तिरंगा झुकने ना पाए, लगा दें जान की बाजी तिरंगा झुकने ना पाए, लगा दें जान की बाजी तिरंगा झुकने ना पाए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर राजू। एक है एक, एक है एक बड़बेर, हम लोग ने आज यहाँ कविता पाठ करो, हमारे बीच में श्रीमती मीनाक्षी कंठवाल जी, पूरन कांडपाल, रमेश हितेशी, नंदन सिंह राणा जी, श्रीमती सोनू प्रीति, श्री ओम ध्यानी, श्री सुरेंद्र रावत जी, श्री राजू पांडे, और मैं आप सबके बीच में आप सबका दुलारा हेमपंत, आप इस पूरे कार्यक्रम को मन संचालन कर रहा था। हम लोग 4 बजे से इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर चुके थे और अब लगभग 6:18 होने जा रहे हैं। बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ते रहे, हम लोगों ने बहुत सुंदर रूप से इस कविता, इस कवि सम्मेलन को आगाज दिया और उसको अंजाम दिया है। मैं आप सबका बहुत दिल से, अपने दिल की गहराइयों से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। हम किसी न किसी मोड़ पर फिर मिलेंगे, ये उम्मीद लेकर के अपने चंद शब्द आपके इस समापन पर दे रहा हूँ कि कशिक शुक्रिया करूँ आपू सबनोक, कशिक शुक्रिया करूँ आपू सबनोक, जमीन उठाए बेर दिल में बिठा दे, जमीन में बठी उठाए बेर दिल में बिठा दे, आखन में धर बेर पलकन में सजा दे, यतु प्यार दे आपू सबनल कि मैर बिखरी शब्दन के कविता बना दे, मैर बिखरी शब्दन के कविता बना दे। आप सब लोग नो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग यो इनक्रेडिबल पहाड़ी सौजन्य थे जो कार्यक्रम हम लोग ने करो, बहुत जल्दी हम लोग फिर मिलन, आप सब लोग धन्यवाद। सुरेंद्र रावत जी, आप तो सुंदर कार्यक्रम आयोजना लीजिए, धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बहुत आभार सर, आप सबको प्रणाम।